ठीक है। और स्टूडेंट्स, इसमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन, जब आपको जरूरत पड़ती है, आप विंडो का एक पार्ट सिलेक्ट करना चाह रहे हो, ये विंडो नजर आ रही है सेंटर में, विंडो के एक हिस्से को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, कोई इमेज के अंदर किसी पार्ट को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ सिलेक्शन करना चाह रहे हो, यू नीड ए टूल जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। एक कॉर्नर से दूसरी तरफ जाओगे तो एक रेक्टेंगुलर शेप में, एक स्क्वेयर शेप में सिलेक्शन हो जाती है। आप अपने कैनवस के हिस्से को सिलेक्ट कर लेते हो। अब वो कैसे, क्या फायदा इसका होता है, ये देखो, आपने फोटोशॉप में जाना है। अब फोटोशॉप में जाके आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है, फिर इसकी प्रैक्टिस मैं आपको जो बता रहा हूं इस हिसाब से कर लेना। ये कैनवस है आपका, कैनवस का इस वक्त बैकग्राउंड कलर जो कि व्हाइट है, आप इसको किसी भी स्टेज पे चेंज कर सकते हो। सबसे पहले तो इसको आप, एक चीज जो मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा, ब्रश का इस्तेमाल। अगर आपने इस बैकग्राउंड के ऊपर, यू नीड समथिंग टू ड्रॉ ब्रश टू, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा फिर मैं सिलेक्शन की तरफ आता हूं। ये जी ब्रश, इसकी बहुत डिटेल है, ये देख रहा है आपको, सीन क्रिएट कर रहा है एक ग्राउंड के ऊपर, एक उसने ऐसे डब्ल्यू सा बनाया है, ठीक है, और एक जेड सा उसने लिख दिया, डिफरेंट कलर्स में लिख दिया, ब्रश टूल के साथ लिखा, आप जस्ट यू नीड दिस टूल, ये है जी टूल, और जिस कलर में आप लिखना चाह रहे हो वो सिलेक्ट कर लो, ये है वो कलर। इस वक्त कलर क्या है इसका, ब्लू। डिफॉल्ट क्या होता है, डी फॉर डिफॉल्ट। अगर आपको इसके डिफॉल्ट की तरफ जाना है, जो कि ब्लैक इज योर फोरग्राउंड एंड व्हाइट इज योर बैकग्राउंड, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है समझने में कि डिफॉल्ट होता गया है, डी प्रेस कर दो, डी फॉर डिफॉल्ट, या इस आइकन पे क्लिक कर दो। देख रहे हो ब्रश का कलर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फोरग्राउंड ब्लैक एंड बैकग्राउंड क्या होता है, व्हाइट। अगर आप ब्रश को यूज करते हुए यहां पे ड्रॉ करोगे एनीथिंग, अच्छा एक चीज का ख्याल कीजिएगा, कैप लॉक, कैप लॉक को ऑफ रखना, कैप लॉक को ऑफ रखना, जो कि मैंने कर दिया। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि वजह क्या है इसकी। मैं यहां पे कुछ लिखता हूं, मैं यहां पे कुछ लिखता हूं, लिखा जा रहा है, ब्रश का स्ट्रोक लग रहा है, काफी थिन है, इसको थोड़ा थिक करना है। थिक करने के लिए क्या करोगे, थिक करने के लिए स्टूडेंट्स आसान सा तरीका होता है, जब ये टूल सिलेक्ट करते हो ना, इसकी रिस्पेक्टिव बॉक्स ऊपर आता है ये वाला, ठीक है, और ये इसकी वो वैल्यूज हैं जो चेंज करने के लिए अवेलेबल हैं। क्या है, सबसे पहले ब्रश का साइज बड़ा कर दूं, क्या इधर हुआ गोल सा राउंड, थोड़ा सा बड़ा हो गया, और बड़ा करूं क्या, राउंड और बड़ा हुआ, और बड़ा करूं और बड़ा हुआ, और ये आपका ब्रश का साइज बड़ा हो गया, ब्रश की विड्थ बढ़ गई, और बिग करूं ब्रश का साइज, ब्रश टूल को ऑन करना, इस टूल पे ऑप्शंस हैं इसकी, और ये कितने पिक्सल की है जो आप वैल्यू देना चाहो, ये देखो जैसे जैसे इसको इंक्रीज करते हो ब्रश का साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो ब्रश का साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो ब्रश का साइज बढ़ रहा है। अब आप इसे होगा क्या, ये देखिए, आप यहां पे ब्रश के साइज को इंक्रीज करने का एक शॉर्टकट भी है, ये देखो मैं उधर नहीं गया, ये ब्रैकेट को यूज कर रहा हूं, ये वाली ब्रैकेट होती है, ये ओपन ब्रैकेट होती है, ये क्लोज ब्रैकेट होती है, पी के बिल्कुल साथ लगी हुई है, ओपन ब्रैकेट से ब्रश का साइज छोटा होता है, ये देखो ओपन ब्रैकेट से ब्रश का साइज छोटा होता है, और क्लोज ब्रैकेट से ब्रश का साइज बड़ा होता है। ये कौन सा मैं प्रेस कर रहा हूं बटन, जो पी के साथ है, पी लेटर के साथ, आपको देखो ये दोनों बटन लगे हुए, करली वाले नहीं, करली तो शिफ्ट के साथ लगेगा, विदाउट शिफ्ट। ओपन ब्रैकेट से क्या होता है, ब्रश का साइज छोटा होता है, क्लोज ब्रैकेट से ब्रश का साइज बड़ा होता है। ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसकी वजह क्या है, अच्छा, और दूसरी, ब्रश की शेप क्या राउंड में है, क्या ब्रश की शेप राउंड है या चौरस है, राउंड है, और ये देखो जैसे मैं स्ट्रोक लगाता हूं यहां और यहां और यहां, ये ब्रश के स्ट्रोक लग रहे हैं, और अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो, यहां पे लगा के यहां पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, 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 ये ब्रश है। और ब्रश का कलर क्या है इस वक्त, ब्लैक। साइज क्या है जो आपने बताया, साइज अगर आपने ब्रश का साइज, अगर मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूं, जो कुछ किया है अंडू कर दो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, एवरीथिंग बैक,
ये आपका उसी स्टेज पे आ गया जब मैंने डॉक्यूमेंट नया बना के उस पर ब्रशेज लगाने शुरू किए। दोबारा से देखिएगा, आपने आज टूल सीखना है ब्रश, और एक चीज का ख्याल रखना, आपने इस ब्रश को इस लेयर के ऊपर अप्लाई नहीं करना। जिस लेयर का नाम क्या है, दोबारा सुन लो, आपने ब्रश अगर अप्लाई करना है इस लेयर पे नहीं करना। अभी मैं ये गलती करके दिखा रहा हूं, ये गलती आपने नहीं करनी। क्या वजह है बताता हूं, ये देखो, आपने ब्रश टूल सेलेक्ट किया, ब्रश टूल की ऑप्शंस हैं ये, दो चीजों को गौर कीजिएगा, एक होता है ब्रश का साइज, ये ब्रश का साइज छोटा हो गया, बड़ा करूं, ये बड़ा हो गया, और बड़ा करूं, ये बड़ा हो गया, और बड़ा करूं, ये देखो फुल साइज बड़ा हो गया, बहुत बड़ा ब्रश का साइज है, इसको यहां से छोटा बड़ा कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है ब्रश का साइज छोटा बड़ा करने का, ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट से साइज छोटा होता है ब्रश का, ये देखो ओपन ब्रैकेट से साइज ब्रश का छोटा होता है, क्लोज ब्रैकेट से साइज बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप क्लिक करते हो सेंटर में, किस कलर का स्ट्रोक लगेगा, जो फोरग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर वहां पे क्या है, ब्लैक, ये देखो जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, ड्रैग नहीं कर रहा, ये ब्रश। आपको सर ये कैसा ब्रश है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट ब्रश, एक होता है हार्ड ब्रश, सॉफ्ट ब्रश थोड़ा ब्लरी होता है, ब्लर है, क्लियर नहीं आया, क्रिस्पी नहीं आया, क्रिस्पी मतलब बिल्कुल एक क्रिस्प शेप में राउंड नजर आता, एक इंटेंसिटी के साथ। अब ये देख रहे हो सेंटर में स्ट्रोक बहुत अच्छा लगा, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वो ब्लर हो रहा है, ये वजह क्या है, आपके ब्रश के साइज के साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, वो था ब्रश को सॉफ्ट रखना है या हार्ड रखना है, ये कैसे होता है, अंडू करता हूं, दोबारा से देखो, आपने जब ब्रश को लिया, आप जब ऊपर गए इसकी प्रॉपर्टी सेट करने, तो ये हार्डनेस आपने बिल्कुल लो लेवल पे की हुई है, इस हार्डनेस को बढ़ा के 100% कर दो। अब स्टूडेंट पता क्या फायदा होगा इसका, जब कभी आप ब्रश का स्ट्रोक लगाओगे, ये फर्क देखो पिछले से, ये ब्रश हार्डनेस उसकी 100% कर दी। दोबारा से देखिएगा, इस बार मैं ब्रश का साइज छोटा भी करता हूं और कलर भी चेंज करता हूं, ये देख लो कलर मैंने ब्रश का क्या कर दिया, पहले ब्लैक था, आप क्या कर दिया, रेड कर दिया। मैं इसके अंदर एक और छोटा सा ब्रश के साथ स्ट्रोक लगाना चाह रहा हूं, ये देखिएगा साइज छोटा करते हैं इसका, अगर इसी के ऊपर लगा दूंगा ओवरराइट हो जाएगा, पिछला छूट जाएगा, मैं इसका साइज छोटा करता हूं, अगर मैं आप क्लिक करूंगा क्या होगा, ब्लैक की बजाय अब क्या होगा, रेड, और साइज तो आपने बता ही दिया, हार्ड स्ट्रोक लगेगा या सॉफ्ट, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर प्रॉपर्टी में। इस वक्त ये वैल्यू क्या है, 100%, सॉफ्ट स्ट्रोक लगाना है तो इधर आ जाओ, हार्ड लगाना है तो इधर आ जाओ, सॉफ्ट लगाते हैं, ये देखो चेक करो, उम्मीद है आपको हार्ड सॉफ्ट ब्रश की भी समझ आई होगी, आपको कलर सेलेक्ट करने की भी समझ आई होगी ब्रश की, और तीसरा ब्रश का साइज सेट करना, तीन प्रॉपर्टीज मैंने ब्रश की करवाई है, क्या, ब्रश का कलर, ब्रश का साइज, तीसरा उसके ब्रश की हार्डनेस और सॉफ्टनेस। जीरो की तरफ जाओगे सॉफ्ट ब्रश, 100 की तरफ जाओगे हार्ड ब्रश, इन बिटवीन रहोगे हार्ड और सॉफ्ट का मिक्सचर, ये देखो दोबारा से देखो। अच्छा अब एक इशू आया, ये जो मैंने काम किया स्टूडेंट्स, एक गड़बड़ हो गई मुझसे, अगर मैं इस ब्रश के इस स्ट्रोक को उठा के इधर रखना चाहूं, इधर रखना चाहूं, मूव से नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इस ब्रश को जो कि मैंने लगाया है स्ट्रोक लगाया है इसको, स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से मूव करके ऊपर रखना चाहूं, दाएं बाएं रखना चाहूं, अब हो क्या रहा है, पूरी लेयर का कवर मूव हो रहा है। आपने ये गलती नहीं करनी, क्या गलती नहीं करनी, आपको क्या चाहिए था मैं बताता हूं, अंडू करता हूं, दोबारा से देखो, आपने बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड लेयर को तो बिल्कुल छेड़छाड़ करनी नहीं, रहने दो जैसे है, नई लेयर बनाओ, नई लेयर बन गई, ये लेयर वन, अब आप ब्रश का स्ट्रोक लगाओ, ये जी ब्रश नंबर वन, ब्रश टूल नंबर टू, कलर क्या रखना है नंबर थ्री, उसकी वैल्यू क्या सेट करनी है ब्रश की, साइज एंड इट्स हार्डनेस, ये यहां से आपने डिसाइड करना है। और अगर आपको मैं एक चीज बताऊं कंट्रोल करना, ये जरा गौर कीजिएगा, माउस का लेफ्ट प्रेस करते ही स्ट्रोक लग जाएगा, आपने लेफ्ट नहीं प्रेस करना, आपने यहां पे इसको राइट प्रेस करना है,
राइट प्रेस करने से इसी जगह पे आपको अवेलेबल हो जाएगी वो ऑप्शन जो ऊपर से नजर आ रही थी। गौर किया क्या ये वही ऑप्शन नहीं है साइज एंड हार्डनेस जो कि आपको इधर दिख रही थी ऑप्शन प्रेस टूल के साथ, ये वाली, ये बॉक्स नहीं आ गया। अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं राइट नॉट लेफ्ट, लेफ्ट से स्ट्रोक लग जाएगा रेड कलर का, ये देखो। और इसकी सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस लेवल आपने क्या किया हुआ है जीरो, ये देखो। अच्छा इसको एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूं, इंस्टेड ऑफ अ वाइट ब्लैक कर देता हूं। कैसे, दो तीन तरीके हैं। पूरे का पूरा कैनवस का कलर क्या कर दिया मैंने, ब्लैक कर दिया। कैसे, कंट्रोल बैकस्पेस एंड ऑल्ट बैकस्पेस जो मैंने आपको शुरू में बताया था, या एडिट में फेल में जाके कर लो, लेयर को पहले सिलेक्ट कर लेना जिसके ऊपर अप्लाई करना है, हो गया। ये समझ लो एक नाइट विजन है, नाइट विजन के अंदर मैं एक व्हाइट मून लेके आना चाह रहा हूं कॉर्नर पे, नाइट में एक कॉर्नर पे व्हाइट मून लेके आना चाह रहा हूं ब्रश के साथ, ये देखो ब्रश टूल सिलेक्ट किया, कलर क्या लेना है व्हाइट, यहां से चाहे ऐसे कर लो, स्विच कर लो बैकग्राउंड को फोरग्राउंड के साथ। अगर मैं अब यहां पे स्ट्रोक लगाऊंगा क्या एक गोल सा ब्रश लगेगा, हार्डनेस उसकी क्या है, लो है या हाई है, लो है, लो है ना, चलो इसको मैं हाई कर देता हूं। अब चेक करना मून का साइज ठीक है या छोटा कर दूं, मून का साइज छोटा कर दूं या ठीक है, हार्डनेस इसकी हाई की, साइज थोड़ा छोटा कर देते, ये लो। क्लिक करूं एक राउंड शेप में वो ब्रश लगा, ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, मैं चाह रहा हूं इसके जो सराउंडिंग में थोड़ा सा लाइट ब्रश के साथ ये फैलता हुआ नजर आए, चांद है, लाइट स्प्रेड होता हुआ नजर आए व्हाइट की शेड्स, ये देखो ये साइज है ना, इसे थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, कैसे बड़ा होगा, ब्रैकेट्स के साथ, जो आपके पी के साथ ब्रैकेट है ना जिसे ब्रेसेस बोलते हैं वो प्रेस करने लगा, ये देखो क्या साइज बड़ा हो गया, दिख रहा है, ये देखो उसे थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया और इसको सॉफ्ट कर दिया, चेक कीजिएगा साइज थोड़ा सा चेक करो और बड़ा कर दूं थोड़ा सा, मैं ब्रश का इस्तेमाल बता रहा हूं और दूसरा मैं सेक्शन पे लेके आ रहा हूं, ये देखो कोई सीन बनता हुआ नजर आया, व्हाइट मून के अराउंड लाइट ब्रश के साथ उसकी व्हाइट स्ट्रोक को लाइट सॉरी उसकी हार्डनेस को थोड़ा लो करके व्हाइट को उसके ऊपर प्लेस किया है ब्रश के साथ। स्क्रीन पे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको मल्टीमीडिया के थ्रू, इधर तो बड़ा परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है, बड़ा खूबसूरत एक एक हाला नहीं होता मून के गेट बना हुआ व्हाइट शेड के साथ, वो नजर आ रहा है आपको भी शायद दिख ही रहा हो। तो इसका मतलब है कि ब्रश के साथ आप कुछ इस तरह के एक्शन भी कर सकते हो। और मजे की बात बताऊं मुझसे फिर गड़बड़ हो गई, मैंने उसी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर बना दिया, अंडू करते हैं दोबारा से देखो जिसने मिस किया, ये देखो अंडू एवरीथिंग, इस लेयर को क्लिक कर दो। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, नई लेयर पे बनाने का फायदा ये है कि ब्रश को आप अगर मून को दाएं बाएं भी करना हो आप कर सकोगे, मिसाल के तौर पे मैं अभी इधर बना देता हूं, लग गया स्ट्रोक, ठीक है। अगर आपको कहूं यार ये मून थोड़ा सा इधर ले आओ, क्लिक किया हुआ मूव टूल, इसका साइज जरा छोटा कर दो, कंट्रोल टी शिफ्ट के साथ, ये सब पॉसिबल है स्टूडेंट्स अगर ये नई लेयर पे होगा। ये अगर बैकग्राउंड पे रखता मुसीबत बन जाती है आपके लिए, कुछ भी नहीं कर पाते उसके अंदर, एडिटिंग नहीं कर पाते, सिंपल वर्ड्स में सिंपल जुबान में क्या बोलते हैं उसे, एडिटिंग नहीं कर पाते। अब मैं कर पा रहा हूं, पिछली बार मैंने मिस्टर फैज ये काम मैंने इसके ऊपर परफॉर्म कर दिया था बैकग्राउंड के ऊपर,
लेकिन मुझे इसको मूव करना था, मूव किया तो वो मूव नहीं होता, साइज करना तो वो पूरे कैनवस का साइज छोटा बड़ा करना शुरू कर देते हैं, मुझे स्पेसिफिक इस ब्रश के स्ट्रोक को करना था कंट्रोल। तो मैंने इसके लिए आप लोगों ने स्टूडेंट से एक काम करना है, बैकग्राउंड लेयर को डोंट टच, बैकग्राउंड लेयर जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट न्यू लेयर फ्रॉम दिस वन, ये प्लस बटन क्या करता है नई लेयर बना देता है, ये बन गई थी। इस लेयर को बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर परफॉर्म किया क्या, ब्रश का स्ट्रोक लगा दिया। ठीक है, अब ये जो मैंने काम किया है ब्रश का, मैं थोड़ा सा और इस्तेमाल बता दूं आपको, फिर आगे चलते हैं। गो के आज हमारा ये मकसद नहीं है, लेकिन मैं आपको ब्रशेस का एक छोटा सा रोल आज समझा के आगे जा रहा हूँ। काम एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने करवाना है, सिलेक्शंस करवानी है आपको, और उसके ऊपर ब्रश के स्ट्रोक भी लगवाने हैं, और फाइनली एक कवर पेज स्पोर्ट्स मैग के नाम से वो बना के फिर आज ऑफ करना है। आज वीकेंड भी है, आपके पास काम हो करने को। ये देखो ब्रश टूल को जैसे आप क्लिक करते हो, आपने इसका सबसे पहले क्या बताना है, कलर। मिसाल के तौर पे मैं कलर ले लेता हूँ रेड, नंबर वन ये बता दिया। नंबर टू आपने इसके ब्रश की प्रॉपर्टी में जाना है, यहां से इसका साइज मेंशन करना है, छोटा करना है या बड़ा करना है। तीसरी चीज, जो ब्रश लगेगा वो हार्ड लगाना है या सॉफ्ट लगाना है। अभी ये व्हाइट जो था ये सॉफ्ट ब्रश था, इसको हार्ड कर दिया। अब ये देखो रेड कलर प्योर, हार्डनेस इज 100%, साइज इज थोड़ा सा लो वैल्यू, और ये देखो व्हाइट पिछला ब्रश था उसके ऊपर आपने थोड़ा सा साइज छोटा किया ब्रश का, रेड कलर करके उसको उसके ऊपर स्पॉट के ऊपर हिट कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके दोनों ब्रशेज व्हाइट वाला भी लो हार्डनेस के साथ और रेड वाला भी हाई हार्डनेस के साथ एक ही लेयर पे है। चेक करो क्या मूव हो सकते हैं ये दोनों इकट्ठे, इकट्ठे होंगे क्यों, कि एक ही जगह पे एक ही लेयर में मौजूद है। मूव टूल मूव हो रहा है, साइज करना है, साइज करना है, कंट्रोल कंट्रोल ट्रांसफॉर्म के लिए टी, बड़ा भी कर सकते शिफ्ट के साथ कीजिएगा ताकि इक्वल साइज में छोटा या बड़ा हो, स्ट्रेचिंग उसकी। मूवमेंट तो आपको मैं बता दिया, ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। और इस तरह अगर आपने कोई इस तरह का कोई पोस्टर बनाना हो, कोई डिजाइन बनाना हो और ब्रश का यूज करना हो, तो ऑलवेज रिमेंबर टू क्रिएट ए न्यू लेयर टू ड्रॉ एनीथिंग। मिसाल के तौर पर आपने इसके ऊपर कुछ और एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं, ब्रशेस के साथ आपने एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं, तो बेहतर है आप इसको डिस्टर्ब ना करो, जो बन गया सो बन गया, एक नई लेयर बनाओ। ये नई लेयर बना दी, इसके ऊपर आप ड्रॉ कर लो जो भी आपने करना है। मिसाल के तौर पे आपने ब्रश के साथ एक डिजाइन एक से इसके ग्राउंड के ऊपर आपने ड्रॉ करना है। ये देखिए ब्रश को यूज किया, यहां पे मैं चला जाता हूं जनाब, इसकी कलर कर देता हूं ग्रीन, मैं एक ग्राउंड सरफेस की ग्रीन यहां पे ऑन करना चाह रहा हूं। ये देखो ब्रश इसके साथ लगाना चाह रहा हूं, ये देखिए ये देख रहे हो ये ब्रशेस के स्ट्रोक लग रहे हैं। और अगर आप ब्रशेस की कंटिन्यूटी को विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस आप इसको क्लिक करना चाहो, तो आसान सा तरीका बताऊं आपको, क्लिक करो और फार एंड पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, शिफ्ट के साथ दोबारा से देखो क्लिक करो और फार एंड के ऊपर शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, क्लिक करो और फार एंड के ऊपर शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, क्लिक करो और फार एंड पे शिफ्ट के साथ क्लिक करो, बजाय ये कि क्लिपर्स ड्रैग करना शुरू करो और दूसरे एंड पे पहुंचते पहुंचते वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, तो आप दूसरे एंड पे जाके क्या करो शिफ्ट के साथ क्लिक। अब आपको हो सकता है इसके ऊपर एक स्ट्रोक लगाना है, एक और कलर उसका डिफरेंट रख देते हैं, ये देखो ब्लू लगा देते हैं, ये जी ब्लू साइज छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, विद योर ब्रैकेट्स साइज छोटा कर लिया, स्ट्रोक लगा दो इधर, ये लो क्या यहां तक लगाना है, बिल्कुल शिफ्ट के साथ इधर लगाना है, ले जी शिफ्ट के साथ इधर लगाना है, ले जी शेप के साथ। अच्छा अब आपको अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपने जिस लेयर को क्लिक किया हुआ है मूव करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एंड योर ब्लू एलिमेंट्स मूव होंगे, क्योंकि इस लेयर में वही है, इसका मून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग लेयर पे मौजूद है, उसको अगर आपने छेड़छाड़ करनी है तो वो सब मून वाली लेयर पे क्लिक करो। ठीक है, वो लेयर कौन सी है जनाब, मैं लेयर्स को जरा सामने ले आता हूं। इस वक्त आपकी टोटल कितनी लेयर्स हैं, एक ग्राउंड है, एक मून वाली लेयर है, नाम भी दे दो मून,
ताकि आपको याद भी रहे कि ये इससे कनेक्टेड कंटेंट कौन सा है। बाकी आपने जो भी बनाया है आपका अच्छा नहीं बना, आप कहते तो यार मजा नहीं आया, डिलीट कर देते हैं। लेयर पे जाओ, लेयर पे जाओ, मूव करना मूव कर दो, ऐसे कौन मूव हो रहा है? सिर्फ वो एलिमेंट जो इस लेयर के हिस्से में आए, जो ब्रशेस आपने लगाए। इसलिए आपने हर चीज एक ही लेयर पे नहीं डाल देनी, हो सकता है एक चीज अच्छी बन गई है वो रहने दो, जो अच्छी नहीं बनी साइज छोटा करना है, इसका कंट्रोल डी से मूव करना है वैसे हो रहा है, डिलीट करना है ये लो। बात को पिक किया। अच्छा एक चीज और, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर चाहो ब्रशेस का इस्तेमाल तो जो भी आपने करना है आप करो। अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको काम की, अगर आप चाहो कि ब्रश को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो, रिस्ट्रिक्ट का मतलब एक पोर्शन में ही ब्रश को प्ले करना चाह रहे हो, आप उसके लिए आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपको ये बोला कि अगर आप अपने ब्रश को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो, अभी क्या है, अभी मैं ब्रश का स्ट्रोक कहीं भी लगा लेता हूं, कोई मना कर रहा है मुझे? ये लोग, मैं ये चाह रहा हूं ये ब्रश को सिर्फ बाउंड्री के अंदर मूव कर सके। अब वो बाउंड्री कैसे बनेगी, उसके लिए सिलेक्शन टूल का आज फर्स्ट इस्तेमाल देखो, अंडू कर देता हूं। आपने जाना है टूल नेम इज सिलेक्शन, कौन सी टूल की नाम क्या है इसका, रेक्टेंगल मार्की। ये देखो मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब याद रखना जो एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ है इसी को ब्रश का स्ट्रोक इसके इनसाइड ही रखेगा, इससे बाहर नहीं निकल पाओगे आप। एक बाउंड्री बन गई, एक एक्टिव एरिया कर दिया गया। और अगर आपको एक्टिव एरिया पसंद नहीं है कंट्रोल डी कर दो। दोबारा से देखो आपने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया बॉटम पे, याद रखना अगर आपने माउस का बटन को छोड़ा नहीं है स्पेस बार से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो स्पेस बार से। क्या ये एरिया फाइनल है? छोड़ दो माउस को बटन को, पहले छोड़ो और स्पेस बार को छोड़ दो। बाद में अगर आपको कहा जाए एरिया मूव करना है, एरिया एक्टिव जो था इस वक्त, हाँ एक्सपेंड कर सकते हो उसमें, कैसे, शिफ्ट के साथ। कल बोला था ना मैंने शिफ्ट के साथ। अच्छा ये एक्टिव जो एरिया हो जाता है, अब याद रखना अगर मिसाल के तौर पे आपने ब्रश ही को यूज करना है, मैं करता हूं, कलर कौन सा इस वक्त है, ब्लू, ब्लू रखूं, ये देखो क्या मुझे इस बाउंड्री से आउटसाइड आने दे रहा है? क्या मुझे उस बाउंड्री से आउटसाइड आने दिया? नहीं। जब तक इस बाउंड्री को जो सिलेक्ट एरिया है, ऐसे बोलते हैं एक्टिव एरिया, ये डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट करती है, ये क्या है कैनवस के ऊपर एक्टिव एरिया, और ब्रश अगर लगाओगे या पेंसिल टूल यूज करोगे आप इस बाउंड्री से बाहर नहीं आ सकते जब तक इसको डिसलेक्ट ना कर दिया जाए। डिसलेक्ट कैसे होता है, कंट्रोल डी। अब आप ओपन हो जो मर्जी करो, दोबारा से देखते हैं, अंडू कर दो, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। अब आपको ये समझ आई है कि जब आप एरिया को रेक्टेंगुलर शेप में एक्टिव करना चाहो वो भी कर सकते हो, और अगर आप अपने एरिया को सर्कुलर फॉर्म में एक्टिवेट करना चाहो वो भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये देखो ये मैंने एरिया एक्टिव कर दिया, ठीक है। अगर आपको कहूं कि इसमें मजीद मुझे एक एरिया मजीद इसमें एड ऑन करना है लेफ्ट पे राइट पे, लेकिन वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, कोई मसला नहीं, रेक्टेंगुलर फॉर्म ले लो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, क्लिक करने से पहले शिफ्ट प्रेस कर देना इफ यू वॉन्ट टू एड समथिंग, इफ यू वॉन्ट टू एड समथिंग इन दिस एरिया यू हैव टू प्रेस व्हाट, शिफ्ट। चलें एक आपको मजे का काम करके दिखाता हूं, कंट्रोल डी। मैं एक मून बनाता हूं और मून भी हाफ मून बनाता हूं, इसी के साथ बनाता हूं, एलिप्स टूल के साथ बनाता हूं, इसको मैंने कर दिया ऑफ। दोबारा से देखो मैं नई लेयर पे जाता हूं, नई लेयर पे जाके मैं इसका नाम पहले ही रख देता हूं, क्या बनाने लगा हूं मैं, हाफ मून यूजिंग सिलेक्शन टूल्स। ये सारे सिलेक्शन टूल्स हैं, एलिप्टिक टूल को लेता हूं, मार्की टूल, साइज आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो एरो कीज के साथ,
है? अच्छा चले बनाते हैं, राउंड शेप में आ रहा है ये, राउंड है, ये राउंड है क्या? नो, राउंड कर दो उसको शेप के साथ। ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, बड़ा कर लो ताकि आपको दिखे, ये एरिया मैंने मेंशन कर दिया, बना दिया। इसमें से मैंने सिर्फ मून को निकालना है, बाकी एरिया को मैंने माइनस करना है। मून वाले एरिया को, हाफ मून को रखना है, बाकी एरिया को माइनस करना है। क्या करेंगे? अगेन यूज सेम टूल, क्लिक किया और यहां पे आके जो एरिया माइनस करना है, तो चूंकि माइनस करना है यू हैव टू प्रेस ऑल्ट। कल बोला था ना ऑल्ट से माइनस होता है एक्शन जो इसके ऊपर। अच्छा अगर आप ऑल्ट भूल जाते हो स्टूडेंट्स, ये बटन पे आ जाओ। इस बटन का नाम क्या है, क्या लिखा हुआ है? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर आप ऑल्ट को प्रेस करना पसंद नहीं करते, ऑल्ट को प्रेस करना पसंद नहीं करते, वैसे तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा ऑल्ट को यूज करो। फायदा उसका क्या है, आप ऊपर वाले बटन के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर टेंशन में रहोगे, अच्छा ऐड करना है तो ऊपर जाके उसको ऑन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो ऊपर ऑन करना पड़ेगा, फिर एक्शन करोगे अपने कैनवस के ऊपर। तो बेहतर नहीं है कि आप इन दो कीज के ऊपर प्रैक्टिस कर लो। क्या करना है, ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस करते ही प्लस के साथ एक छोटा सा माइनस नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो मैं ड्रॉ करूंगा वो करंट एरिया में से उसको माइनस कर देगा। करते हैं ये लोग। और अगर आप इसकी शेप को सही नहीं कर पा रहे, आपने ऑल्ट को भी नहीं छोड़ना और इस बटन को भी नहीं छोड़ना, दोनों बटन प्रेस किए हुए, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस है और इधर मैंने कौन सी की फिंगर रखी हुई है, ऑल्ट पे, और स्पेस बार यूज करूंगा। मून की शेप बताओ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ऊपर वाला एरिया माइनस होने लगा है, कर दूं, ठीक लग रही है शेप, ये लो माइनस हो गया ना उस सिलेक्शन में से, उतना ही सा माइनस हो गया। माइनस हो गया तो इसमें अब क्या करें, फिल कर दें इसको येलो के साथ या व्हाइट के साथ, जिसके साथ करना है। फिल करने का तरीका स्टूडेंट्स, एडिट फिल, किसमें होगा फिल, क्या ये पूरे कैनवस पे होगा? नो जो एक्टिव एरिया है जिसका ब्रश उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फिल भी उसके बाउंड्री के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसीलिए तो इसे बोलते हैं एक्टिव एरिया। और जब तक आप वो सिलेक्शन टूल इस्तेमाल नहीं करने आएंगे, ये कर नहीं पाओगे आप काम जितने मैंने बोले हैं। तो आपने अपने उस एरिया को एक्टिव करना है जिसके ऊपर आपने प्ले करना है, क्या ब्रश लगाना है, ये आप ब्रश के ऊपर, ब्रश से भी पेंट कर सकते हो इसको, मून को व्हाइट ब्रश ले लो, येलो ले लो और इसके अंदर पेंट कर लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसके अंदर फिल कर दो। फिल कैसे होता है, इस एरिया में आओ, यहां पे राइट क्लिक कर दो, उस एरिया में बाहर नहीं उसी रिस्ट्रिक्टिव बाउंड्री के अंदर जो एक्टिव है, राइट क्लिक करके क्या करना है, फिल करना है या स्ट्रोक लगाना है, दोनों में फर्क है। स्ट्रोक क्या होता है, बाउंड्री बनेगी उसकी जो आप कहोगे, ब्लैक व्हाइट ग्रीन जो कहोगे। फिल में क्या होगा, इस एरिया के अंदर फिलिंग होगी। अब आप दोनों कर सकते हो, करने चाहो दोनों करके दिखा दूं, फिल भी और उसका स्ट्रोक भी। अच्छा चाहे यहां से कर दो स्टूडेंट्स, अगर आपको राइट क्लिक नहीं समझ आई, एडिट में चले जाओ, ये ऑप्शन यहां भी मौजूद है। और ये किस में फिल होगी और किसका स्ट्रोक होगा, जो एक्टिव है, जब तक एक्टिव है आप इससे बाहर नहीं आ सकते। जब तक आप इसे डिसलेक्ट नहीं करोगे कंट्रोल डी से, आपका जो एक्शन भी होगा ब्रश के साथ या फिल के साथ या स्ट्रोक का, इसी पे होगा जब तक एक्टिव है। फिल कर दूं, कौन सा कलर, ये कर दूं व्हाइट, हो गया ना फिल। इसको डिसलेक्ट नहीं कर रहा अभी मैं, क्यों क्यों नहीं कर रहा कि मैं चाह रहा हूं जरा स्ट्रोक भी लगा के देख लेते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन चले स्ट्रोक भी लगा के देख लेते हैं। इधर ही राइट क्लिक करके इधर जा रहा हूं स्ट्रोक में, स्ट्रोक मतलब बाउंड्री। इस वक्त कितने पिक्सल की बाउंड्री है, पतली सी बाउंड्री है 1 पिक्सल की, थोड़ी थिकनेस बढ़ानी है 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, ये पिक्सल की बाउंड्री बढ़ती जाएगी, वेट से बोलते हैं स्ट्रोक का, 1 पिक्सल का काफी है।
या दो कर दें, थोड़ा नजर भी आए ना, चले दो तीन कर लेते हैं। कौन सा कलर लगाना बताओ, कौन सा दिखेगा इस पे, ब्लैक के ऊपर? ब्लैक के ऊपर कौन सा दिखेगा? व्हाइट दिखेगा, व्हाइट तो ऑलरेडी फिल का कलर भी है, अरे फिल का कलर भी व्हाइट है, वो मिक्स एंड मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा येलो कर दूं, लाइट येलो या प्योर येलो, चले ये कर। अच्छा अभी मैंने जो स्ट्रोक लगाया है अभी नजर नहीं आया आपको, अभी आएगा। लोकेशन कहाँ, क्या इस बाउंड्री के इनसाइड स्ट्रोक लगे या इस बाउंड्री के बाहर की तरफ स्ट्रोक लगे? बाउंड्री के अंदर की तरफ स्ट्रोक लगे या बाउंड्री से बाहर की 2 पिक्सल का स्ट्रोक लगे, क्या पसंद कर रहे हो आप? या सेंटर में लगे, हाफ इन हाफ आउट, मतलब 1 पिक्सल आउट 1 पिक्सल इन, इसे बोलते हैं सेंटर। जो लाइन नहीं लगी हुई ऐसे डॉटेड, उस लाइन के 1 पिक्सल अंदर स्ट्रोक लगेगा और 1 पिक्सल बाहर की तरफ लगेगा। क्यों, टोटल पिक्सल कितने? मैंने 2 कहे हैं और 5 कहे होंगे, तो 2.5 पिक्सल बाहर 2.5 पिक्सल अंदर की तरफ बाउंड्री में आ जाएगा। आप क्या पसंद कर रहे हो, आउटसाइड इनसाइड या सेंटर? आउटसाइड करते रहा, प्रोमिनेंट हो जाएगा आउटसाइड, हर चीज तो नहीं ना मानने वाली होती। सेंटर जरा क्लियर नजर आए ना, हुआ कहीं लगा आउटसाइड, ये लो कर दूं, क्या लगा? आउटसाइड, उस बाउंड्री की आउटसाइड। और ये डॉटेड लाइन को खत्म करने के लिए क्या करना है? अभी तक डॉटेड लाइन लगी हुई है, मजे की बात है, अभी भी आप काम कर सकते हो करना चाहो तो। जैसे क्या काम करना है, प्रश्न लगा दें जरा इधर, ब्रश आ गया, साइज छोटा ना कर लें इसका। कौन सा कलर पेंट कर दूं? हाँ जी, आपको भी इन्वॉल्व करें, कौन सा कलर सर? कोई करते हैं, अब आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो मत ही करते हैं इसको। कौन सा रेड कर दूं? रेड कौन, थोड़ी सी रेड शेड देते हैं। ठीक है, लाइट सा ब्लैक ना करते हैं, थोड़ा सा ग्रहण जैसे लगा हुआ है, या स्पॉट्स हैं उसके अंदर, कलर्स के अंदर, मून के अंदर स्पॉट्स होते हैं, मून क्लियर तो होता ही नहीं है, थोड़ा सा स्पॉट्स डाल देते हैं। और इसका ब्रश का जो वो स्ट्रेंथ है, या इसका जो क्या बोलते हैं उसे, एक उसका साइज है, दूसरा क्या होता है, हार्डनेस हार्डनेस, उसको जरा लो कर देते हैं, हार्डनेस लो कर देते हैं, साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, और हार्डनेस लो हो गई है जनाब। अब एक काम करते हैं, कलर बताओ, कलर कर देते हैं, चलें ब्लैक कर दें, ब्लैक के पास पास ये ले लेते हैं, चेक करना। और हार्डनेस कम कर दो, ये जो ब्रश आपका मूव हो रहा है विद इन दोज बाउंड्रीज हो रहा है स्टिल, क्योंकि वो एरिया एक्टिव है, दैट्स व्हाई। जब तक आप इसको जाके क्या नहीं करोगे, डिसेलेक्ट नहीं करोगे, क्या इस मून का साइज छोटा हो सकता है? क्वेश्चन है, इस मून का साइज छोटा हो सकता है, पेंट ब्रश आप सॉरी ये जो फोटोशॉप यूज कर रहे हो? हाँ जी, क्वेश्चन है, कर सर। दूं क्या, कैसे? कंट्रोल टी से कर लें, और इको रेशियो से करना दो शेफ। हो गया ठीक है, कंट्रोल डी टू डिस्ट्रैक्ट एवरीथिंग। जब तक, अच्छा ये आपने कर दिया काम, काम अपना, स्टिल क्या एरिया सिलेक्टेड है? कोई गड़बड़ हुई है लगता है, क्या बाउंड्री से आउटसाइड एरिया क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सिलेक्शन से आउट था, अगर वो इनसाइड होता मेरा स्ट्रोक बाउंड्री के, तो बाउंड्री भी छोटी हो जाती। क्या ख्याल है, साइंस समझो क्या हुआ है? आप सही कह रहे थे, इन सेंटर से भी आपका हाफ आता मून आउट स्ट्रोक का, बेहतर क्या था ऐसी सिचुएशन में, आप इनसाइड लगा लेते, ये अगर लगानी भी थी
और इतनी मजबूरी पड़ी हुई गई थी, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा जब कभी इस तरह एक्शन करना है तो जरा ख्याल से करना, क्या अभी कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ हो सकता है इसका वापसी भैया, अंडू अंडू नहीं हो सकता क्या? चलें अभी अंडू क्या करना, ये अब आपका एक्शन कंप्लीट हो गया और आपने कंट्रोल डी करो टू डिसलेक्ट एवरीथिंग, और इस तरह ये आपका मून जो है वहां पे विद इट्स आउटलाइन की प्रेजेंस, वो हमारी गलती की वजह से हुई है, अगर हम इनसाइड कर देते इस तरह का ब्लंडर ना होता, जो कि मैंने आउटसाइड करने की वजह से, चूंकि बाउंड्री ने आपकी बाउंड्री को आपको सिलेक्ट किया, जब कंट्रोल डी किया उसने बाउंड्री को सिलेक्ट किया, तो बाउंड्री के इनसाइड जो स्टफ था कंटेंट था वो तो हो गया छोटा, जो उससे बाहर था वो रह गया, समझे बात, कितनी मजे की चीजें छोटी छोटी अगर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा अगली चीज, जब आप ब्रश को एक्टिवेट करते हो टू डू एनीथिंग, आपको मैंने हमेशा ये कहा है कि इसको एक नई लेयर पे बनाओ, फायदा मैंने बता दिया क्यों, ताकि हर लेयर का कंटेंट अगर आपको मूव करना रिक्वायर्ड हो तो आप जस्ट उस लेयर पे क्लिक करो और मूव टूल से उस पार्ट ऑफ दी को आप मूव कर लो, ये फायदा है इसका, इसको करना है, समझे बात को, इसलिए मैंने कहा था आप जब कभी इस तरह का एक्शन करना हो आपको मैं कहूंगा एक बैनर बनाओ, आपको कहूंगा एक बैनर बनाओ, बैनर में आपने इस तरह का कंटेंट एक पूरा प्ले करना है, एक पूरी लैंडस्केप आपने बनानी है, एक इकोसिस्टम बनाना है जिसमें कुछ एनिमल्स भी होंगे, कुछ ट्रीज भी होंगे, कि होम का स्ट्रक्चर बना होगा, वो ऊपर मून भी दिख रहा होगा, स्टार्स भी दिख रहे होंगे, लैंडस्केप में आपका पोर्ट्रेट भी नहीं, लैंडस्केप में आप अपना कॉन्टेंट डिजाइन करो, आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उसमें जब ये सारी चीजें आप कर लोगे, ब्रशेस को यूज करना आ जाएगा, शेप्स को इंसर्ट करना आ जाएगा, शेप्स देखो बड़े मजे मजे की शेप्स पड़ी नहीं है, मिसाल के तौर पे ये देखो एक चीज मैं दिखा दूं आपको, ताकि वीकेंड के ऊपर थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, नई लेयर बनाई, इस इकोसिस्टम में मुझे कुछ कंटेंट डालना है, ये क्या लिखा हुआ है, कस्टम शेप्स, बहुत खूबसूरत सी बनी बनाई शेप्स, एक तो थी रेगुलर शेप्स, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, लाइन, और ये कस्टम शेप्स, कस्टम शेप्स पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कुछ है इसमें हमारे काम की चीज। अच्छा कस्टम शेप्स से जैसे आप स्टूडेंट्स क्लिक करोगे ना, ये देखो ये शेप्स हैं, क्या करना चाह रहे हो, क्या इस इकोसिस्टम में ट्रीज को इंट्रोड्यूस करवा दें, ये ट्रीज हैं, देख रहे हो कितने खूबसूरत से, और भी हैं ट्रीज के अलावा, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये देख रहे हो बर्ड्स भी हैं, शेप्स हैं, बोट्स हैं, फ्लावर्स भी हैं, जो आप यहां पे प्ले करना चाह रहे हो इसको यहां पे ड्रॉप कर दो, एक पूरा का पूरा आप सिस्टम अपना पूरा एक स्क्रीन के ऊपर डेवलप कर सकते हैं, डिजाइन का हिस्सा बना सकते हैं, कोई ऐसा अगर आपको कोई बैनर कोई ऐसा टास्क मिल जाता है जो कि पेंट के अंदर, पेंट सॉरी फोटोशॉप में आपने बनाना चाह रहे हो, तो ये देखो आपको बने बनाए भी शेप्स अवेलेबल हैं, आपको सर बस नहीं है और नहीं मिलेंगे, हैं कस्टम शेप्स, गूगल कर लो मिल जाएंगे आपको, ऐसे ऐसे कमाल की शेप्स मिलेंगी, आप हैरान और परेशान हो जाओगे, कि आपको अगर आपने वो चीज खुद से नहीं बनानी आप शेप्स को इंपोर्ट कर लो, ये बड़ी लिमिटेड, अगर आप कहोगे ना सर आपकी इस सिस्टम में लैपटॉप पे ये शेप्स नजर नहीं आ रही होंगी, कस्टम शेप्स में आपको ये शेप्स नजर नहीं आ रही, ये मैंने इंपोर्ट की है, चेक करो अपने लैपटॉप पे क्या नाम है अवेलेबल कस्टम शेप्स में, मैं चाहूंगा आप ना एक काम करना, वीकेंड के ऊपर ना एक सिंपल सा इकोसिस्टम आपने बनाना है, एक लैंडस्केप बनाना, उसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर ग्रास हो, होम स्ट्रक्चर्स हो, मून हो, स्टार्स हो, एनिमल्स घूम रहे हो वहां पे, घूमेंगे नहीं मतलब वहां पे नजर आएंगे, एक ऐसा सिस्टम बना के ना खूबसूरत सी सीनरी बना के, ठीक है ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, ठीक है, और ये सारी चीजें का इस्तेमाल भी आ जाएगा जो मैं कर रहा हूँ, तो आपके पास तो टाइम होगा, हमारे पास तो आधा घंटा घंटा ही होता है ना, आपके पास टाइम होगा खूब इसको एक्सप्लोर करना, किसको, कस्टम शेप्स को, अगर आप समझ दो, हाँ जी बताओ कौन सी है शेप्स आपके पास सिस्टम में, कौन सी है वहां पे आपके पास, क्या है, लीव्स हैं, ट्रीज हैं, ये कम से कम बिल्ट इन होती हैं, ये आपको ऑफर करता है फोटोशॉप, जो ऑफर नहीं करता
वो कहां से आती हैं शेप्स वो बताने लगा हूं आपको। कल हमने फॉन्ट्स डाउनलोड किए थे, बताया था ना फॉन्ट्स मिल जाते हैं, डाउनलोड कर देते फ्री है। फ्लैट आइकन डाउनलोड किए थे, फ्लैट आइकन। आज आपको क्या डाउनलोड करना सिखा रहा हूं, कस्टम शेप्स। अच्छा ये कहां पड़ी हुई है, अच्छा ये जो बना है ना बड़ा एक बदसूरत सा, ये ब्रशेस के साथ ये सीधा बनाया, ये सिलेक्शन टूल्स के साथ जस्ट उस एरिया को सिलेक्ट किया, जो चीज निकाल रही निकाल ली, एक पूरा घर का स्ट्रक्चर बन सकता है, चिमनी बन सकती है, विंडोज बन सकती है, डोर बन सकता है, ग्रास बन सकती है, मून बन सकता है, पूरा एरिया आपका ऊपर, ये सारे का सारा किससे बनाया, शेप्स सॉरी सिलेक्शन से। जो चीज नहीं चाहिए निकाल दो, ऑर्डर के साथ जो ऐड करनी है सेक्शन में ऐड करते जाओ, और हर एक स्ट्रक्चर को आप पूरे का पूरा एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। शेप्स का बता दो जरा, शेप्स कितने, कस्टम शेप्स को आप सर्च भी कर सकते हो, गूगल कर लेना कस्टम शेप्स को, वेबसाइट आ जाएगी इसकी, वहां से आप डाउनलोड करना है। अच्छा जी ये आपके पास आ गया कस्टम शेप्स, जी वो लोकेशन यहां से आप डाउनलोड कर लेते, कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूं ये वेबसाइट ओपन हो गई, ये मैं क्लिक करके आपको दे देता हूं। ये मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, आप यहां से ना डाउनलोड कर लीजिए अपने पसंद की शेप जो आपको चाहिए, इसके अलावा भी मिल जाएंगी आपको, और भी वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको। यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपके पास शेप्स है, एरोज की शेप्स भी हैं, जस्ट आपने डाउनलोड करना है यहां से, अगर ये चाहिए तो ये चाहिए, ये है शेप्स। बहुत सारी शेप्स, एनिमल्स की शेप चाहिए, ये देखो पैटर्न्स, ब्रशेस, और ये लिखा हुआ है कस्टम शेप्स। यहां से आप ऑल कैटेगरी करोगे तो वो भी आ जाएंगे, कस्टम शेप्स पे क्लिक करोगे, ये फिल्टर है इसका, ठीक है, और अगर आप यहां पे सर्च करना चाहो यू कैन डू इट। जो आपको इसमें से चाहिए शेप्स उनको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, यहां से पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हॉर्सेस लें, ज़ेब्रास भी हैं, हॉर्सेस भी हैं, डिफरेंट बर्ड्स भी हैं, बर्ड्स को करोगे बर्ड्स आ जाएंगे, बटरफ्लाइज भी हैं, ठीक है, आप जैसे इसको क्लिक करते हो ऐसे तो ये आपके पास इसकी प्रॉपर एक फाइल आ जाएगी, छोटी सी फाइल होती है केबीज में, इसको डाउनलोड कर लेना, ये डाउनलोड हो गई, जैसा कल फॉन्ट्स किए थे, जैसा फ्लैट आइकन्स किए थे, इस तरह कस्टम शेप्स भी डाउनलोड हो जाती हैं, और ब्रशेस भी डाउनलोड हो जाते हैं, मजे की बात है। ब्रश आपने बड़े लिमिटेड से देखे हैं, गोल सा ब्रश मैंने दिखाया है, ये सिर्फ गोल ब्रश नहीं होता, ब्रश एनिमल्स का भी होता है, ये भी मैं क्या कर रहा हूँ शेप्स। अच्छा हम शेप्स को क्यों कर रहे हैं, हम ब्रशेस को क्यों नहीं कर लेते, ब्रशेस शेप्स जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे, अब हम अभी तो रिसेंटली हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ ब्रश का, क्या ब्रश ना ले आए, ब्रश की शेप्स ले आते हैं, ब्रश के लो साथ में ये भी देख लेते हैं। ये ब्रशेस हैं खूबसूरत से बने बनाए, फ्लावर के ब्रशेस हैं,
डिफरेंट आप ये ले लो, ये ले लो, और भी हैं स्मोक के ब्रशेस भी हैं, स्मोक बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और आपने स्मोक दिखानी है वहां पे। अभी मैं एक इमेज ओपन करूंगा, वहां पे मुझे स्मोक के ब्रशेस के साथ उस पे फोटोशॉप के अंदर रहते हुए उसमें स्मोक के ब्रशेस लगाने हैं, फोटो एडिटिंग हो रही है, कर सकते हो। स्मोक के ब्रशेस हैं, पैटर्न्स हैं बड़े जबरदस्त किस्म के, ये वाटर कलर्स हैं, ये बबल्स वो आपके नाम से है, ये आपके पास कॉफी स्ट्रेन के नाम से है, ये फिंगरप्रिंट्स के नाम से ब्रशेस हैं, ये आप जो इसमें से, ये ट्रीज के ब्रशेस भी मौजूद है, ये देखो ये वाले, ये ना ले हम, ट्रीज के ब्रशेस हैं, स्केलेटन के ब्रशेस हैं, हेलवन के ब्रशेस हैं, ये आप जो इसमें से शो मोर भी कर सकते हो, और अगर आप यहाँ पे सर्च करने जाओ तो सर्च भी कर सकते हो। ये देखो ये क्लाउड के ब्रशेस भी हैं, आप क्लाउड भी काइंड ऑफ बना सकते हो, ब्रशेस के थ्रू क्लाउड क्रिएट कर सकते हो पूरा का पूरा। आप अपनी सीनरी के अंदर, अभी जो मैंने ब्लैक ग्राउंड के ऊपर, अगर आप चाहो अगर उसको मैं लाइट कलर में ब्लू शेड दे के क्लाउड्स के ब्रशेस लगा दूं, तो क्लाउड का ब्रशेस वहां पे आपको क्लाउड क्रिएट कर देगा उसके स्ट्रोक्स। क्या ख्याल है? ये क्लाउड के ब्रशेस हैं, करें डाउनलोड। तो दो चीजें मैंने डाउनलोड करने सिखाई हैं, कस्टम शेप्स, दूसरी ब्रशेस। अब आप होगा सर ब्रशेस तो आपने तो अभी सिर्फ ब्राउन शेप का एक ब्रश दिखाया था हमें, ये क्या है? ये भी ब्रशेस हैं, ये भी इसी तरह अवेलेबल हो, और अभी आपको दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट करेंगे। डाउनलोड कर लेते हैं इसको, और एक ट्रीज का यहाँ उसका कर लेते हैं डाउनलोड, एनिमल का कर लेते हैं। सिर्फ शेप्स ही नहीं होती, ब्रशेस में भी आपकी एनिमल्स का मौजूद है स्ट्रोक, ये देखो ये सारे क्लाउड से रेलेवेंट आ गए। सो सर्च कर लेते हैं एनिमल्स को, पैटर्न भी है जनाब। आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने कल परसों पैटर्न करवा रहा था, वाटर का पैटर्न, ट्रीज का पैटर्न, ग्रास का पैटर्न, पैटर्न देखे थे जो मैं अभी आपको फिल्म में भी दिखाया, पैटर्न पैटर्न भी डाउनलोड हो जाते हैं। पैटर्न किए थे ना एडिट में फिल्म में जाके, वो मैंने आपको बोला था फोरग्राउंड बैकग्राउंड एक उसमें पैटर्न की ऑप्शन भी थी, वो पैटर्न आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो अच्छे अच्छे से। उसमें बड़े लिमिटेड से हैं, दो तीन थे, एक वाटर पैटर्न थे, एक ग्रास का था, एक ट्रीज का पैटर्न था, उनको भी पैटर्न को भी इम्पोर्ट किया जा सकता है। चले वो तो बाद में भी वो फैलता जाएगा काम, अभी इसको करते हैं। मतलब ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे ब्रशेस भी हैं, पैटर्न्स भी हैं, कस्टम शेप्स भी हैं, जिस पे क्लिक करोगे वो आ जाएंगे। क्योंकि मैंने ब्रश का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ, मैं चाह रहा था ब्रश बड़े लिमिटेड से आपको नजर आ रहे होंगे स्टाइल्स, उसमें आप अपनी कलेक्शन को यहां से अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हाँ जी बताओ कौन से? ये बर्ड्स के ब्रशेस ले हैं, ये ठीक है, एनिमल्स भी हैं, ये वाले ले हो। अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ब्रश लगेंगे कैसे, शो मोर भी कर सकते हो। चलें अभी फिलहाल मैं इन ब्रशेस को इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये ले क्लिक करता हूँ, प्लांट्स एंड एनिमल्स का ब्रशेस, ये जनाब डाउनलोड कर लो। मैं अब आपको दो चीजें डाउनलोड की हैं, एक मैंने ब्रशेस डाउनलोड की हैं, दूसरा मैंने, जी, एक मैंने ब्रशेस को डाउनलोड किया, दूसरा मैंने स्टूडेंट्स क्या करने लगा हूं, शेप्स को डाउनलोड। और ये डाउनलोड जब की जाती है कहां पड़ी होती है इंफॉर्मेशन? डाउनलोड में। अब आपको यहां पे ये ब्रशेस हैं और ये क्लाउड्स हैं और ये आपकी शेप्स हैं, ठीक है। शेप्स को पहले मैं एक्सपेंड करता हूं, ये आ गया फोल्डर, शेप्स को जरा मैं पहले कनेक्ट करके दिखाता हूँ ताकि इस टॉपिक को क्लोज कर दें। शेप्स पे मैं बाद में, हमने बात करनी है। अगर आपको शेप्स रिक्वायर्ड हो तो स्टूडेंट्स आपने शेप को एक्टिवेट यहां से करते हैं, जहां मैथमेटिकल शेप्स पड़ी होती है ना, रेक्टेंगल सर्कल पॉलीगॉन, अगर आपने ड्रॉ करनी है कर सकते हैं, अभी मैंने करनी नहीं सिखाई लेकिन कर सकते हैं। ये कस्टम शेप्स, और कस्टम शेप्स की लिस्ट आ जाती है टॉप पे यहाँ पे। अब आपको सर अभी आपने थोड़ी देर पहले जो ब्रशेस, सॉरी शेप्स डाउनलोड की है, वो कौन सी है? ये कौन सी थी? हॉर्स हॉर्स की है ये? हाँ हॉर्सेज है, डबल क्लिक करो, ये वो फाइल है।
एक्सटेंशन क्या है इसकी, सी एस एच, सी कस्टम, एस एच शेप्स, कस्टम शेप्स, इसको आपने कनेक्ट करना है, कहां पे करना है, फोटोशॉप में। और ये कहां पे अवेलेबल होंगे, इस आइकन पे जब आप क्लिक करोगे, ये लीफ है। अभी आप में से एक हमारी स्टूडेंट कह रही है सर मेरे पास तो सर दो तीन ऑप्शंस हैं, अब मजीद कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी कस्टम शेप्स, ब्रशेस भी बताता हूं। इसमें आपने इस गियर आइकन पे क्लिक करना है और यहां से क्या करना है, इंपोर्ट, और इंपोर्ट पे क्लिक करते ही आपने अभी जो थोड़ी देर पहले एक्सट्रैक्ट किया ना फाइल, वहां चले जाओ डाउनलोड, हॉर्सेस की यही है ये फाइल है, ये लो आ गए, ये जनाब ये जी कस्टम शेप्स, क्या आपको ये चाहिए शेप, क्लिक करके यहां पे ड्रॉ कर दो। आ गई, कलर क्या है इसका, ग्रे, क्यों कि आपने जब इसे ड्रॉ किया है ग्रे ऑन है। अगर आप चेंज करना चाहो कलर यू कैन डू इट, कैसे, ये ऊपर प्रॉपर्टी है फिल की, व्हाइट कर दूं, ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आएगा बेहतर, दिख रहा है आप, ठीक है, ये लो, इतनी सी बात है। इसका मतलब आप अच्छी अच्छी शेप्स भी ड्रॉ करके, कोई टेक्स्ट लगा के, एक अच्छा सा बैनर, एक अच्छा सा पोस्टर आप अगर बनाना चाहो बना सकते हो यहाँ पे। आप अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहो, कलर देना चाहो, लाल ज्यादा ये तो नहीं दिख रहा, कलर इसका चेंज कर दो, साइज करना है, यहां से भी कर सकते हो, फॉन्ट भी मैंने आपको बोला था कि फॉन्ट इसका बढ़ाया करो, स्ट्रेच ना किया करो, ठीक है। फॉन्ट कैसे पढ़ता है, इसको डबल क्लिक करके यहां से फॉन्ट पढ़ता है, और बड़ा करना है, यहां चले जाओ माउस का व्हील यूज कर लो, जो भी आपका पोस्टर है बैनर है उसके ऊपर इस तरह आप बड़े अच्छे तरीके से उसको फोटोशॉप में भी क्रिएट किया जा सकता है, तो मना नहीं है, गो गए फोटोशॉप का काम नहीं है लेकिन मना नहीं है, आप बना सकते हो। साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, कोई टेंशन नहीं, आप टाइप टूल को दोबारा करके डबल क्लिक करके इसको अगर रीडायरेक्ट भी कर सकते हो, स्विच कर सकते हो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, यहां से, ये कल भी बताया था मैंने। फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ जी समीर साहब, परेशानी, इसका मतलब है कस्टम शेप्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो इन कस्टम शेप्स को यूज करते हुए कॉल कर लोगे फ्रॉम हियर, और यहाँ पे आप क्लिक करते ही अवेलेबल हो जाएंगी, ये आपको डाउनलोड करनी मैंने सिखा दी, कहाँ पड़ी हुई है आपकी कस्टम शेप्स, और ये शेप आपने ली, और शेप लेने के बाद यहाँ पे आप ड्रॉ कर दो, ठीक है, जो भी आपने बनाना है ये ले। कलर वो मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको क्लिक करके लेयर को ऑन करके इसके रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी कब आती है, जब आप इस टूल को क्लिक करते हो। अब आपको सर इसकी फिलिंग में कैसे करूं, मुझे तो ऊपर नजर ही नहीं आ रहा फिल का बॉक्स, वो क्यों नहीं आ रहा, क्यों आपने इस वक्त मूव टूल को ऑन किया हुआ है, जब तक इस रिस्पेक्टिव टूल को ऑन नहीं करोगे ऑप्शन नहीं आएंगी ऊपर, या वो आपकी मर्जी है कि कौन सा स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर आप स्ट्रोक देना चाहो इसका स्ट्रोक भी दे सकते हो, अभी मैंने फेल किया है, स्ट्रोक देने के लिए आप दोबारा इस पर क्लिक करोगे और ये स्ट्रोक है, यहाँ पे ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक की विड्थ भी बढ़ा सकते हो, वेट जिसे बोलते हैं, ये लो, जो मुनासिब करना चाहो, और स्ट्रोक का कलर भी दे सकते हो, आपको समझ आ रही है, छोटी छोटी चीजें, कस्टम शेप्स जो होती हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। कस्टम शेप्स को कॉल कैसे करते हैं, यू हैव टू गो विद दिस टूल, नेम इज कस्टम शेप टूल, लिमिटेड सी है आपके पास लेकिन काफी हैं अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो।
बहुत है, डाउनलोड करो जहां इस्तेमाल करना है, कोई बैनर में, कोई पोस्टर में, तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। तो ये आपके पास एक तो ये हो गया, और बात दोबारा वहीं पे आ जाती है, ब्रशेस। जब आप ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हो, आपको मैंने ब्रश भी डाउनलोड करना सिखाया, और डाउनलोड करने से पहले एक मैं मजे की चीज सिखाऊं, ये देखो ये ब्रशेस हैं, ये वो ब्रशेस हैं जो आपने अभी तक सीखे हैं। राउंड शेप में ये हार्ड ब्रश है, ये सॉफ्ट ब्रश है, और इसके थ्रू ये मैंने मून बनाया। ये हार्ड ब्रश है रेड, और ये सराउंडिंग में जो हाला सा नजर आ रहा है, ये सॉफ्ट ब्रश के साथ मैंने बनाया। व्हाइट इज योर ब्रश बिहाइंड एंड सॉफ्ट इज बिहाइंड एंड हार्ड ब्रश विद रेड कलर इज अबव, यही है ना जो मैंने बनाए थे। और हाफ मून मैंने साइड पे बना के दिखाया आपको, ये वाला, ये हाफ मून है, ये वाला जो कि मैं ऑन ऑफ करके आपको दिखा रहा हूँ, ये फुल मून है जिसके अंदर मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक ही गो में क्लिक किया था, क्योंकि मैंने लेयर सिलेक्ट अलग नहीं की, तो एक ही लेयर के हिस्से बन के दोनों। बेहतर था जो उसके सराउंडिंग का हाला मैंने व्हाइट बनाया उसको नई नई लेयर पे बनाता, ताकि अगर मुझे थोड़ा दाएं बाएं भी करना होता मैं कर पाता, अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि एक ही लेयर के हिस्से हैं दोनों। तो हर चीज जब बने उसको एक नई लेयर पे बना दिया करो, ताकि बाद में उसको कंट्रोल करना आसान हो जाए। अब मैं आपको ये कहूँ, मिसाल के तौर पे आपको कहूँ, ये व्हाइट हाला जो नजर आ रहा है ये नहीं देखना, मैंने क्या करूँ, मुसीबत पड़ गई ना, मुझे नहीं देखना, मुझे व्हाइट वाला जो साइड वाला दिख रहा है हालांकि अच्छा लग रहा है लेकिन नहीं देखना, क्या करूं मैं, कोई ऑप्शन है मेरे पास, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, लेकिन फिलहाल जो आसान वाली ऑप्शन है मैंने अपने हाथ से कटवा दिए। आसान ऑप्शन क्या थी, अलग लेयर, ताकि नहीं चाहिए तो खत्म, दी एंड कर दो उसका, क्यों इतनी टेंशन ली हमने, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के करना, प्लान करके करना, कुछ भी बनाना हो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान करके जाओ, और उसको पता हो कि मुझे क्या चीज़ कहाँ पे रखनी है, ये ना हो कि वो बना बनू के फिर खपते फिरो, ये क्या हो गया। अच्छा, अभी जहां तक ताल्लुक है ब्रश का, ब्रश में बड़े लिमिटेड से ब्रश होते हैं, होते वैसे काफी हैं, ये देखो ये जनरल ब्रशेस, ये देख रहे हो डिफरेंट साइजेस में, इसे यहां से क्लोज कर दो और नीचे आ जाओ, ये है ड्राई ब्रशेस, ड्राई मीडिया ब्रशेस, ये देख रहे हो डिफरेंट वैरायटी है, ये देखो नहीं अच्छे लग रहे, इसको जरा ड्रॉ करके देखो, ड्रॉ करके देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूं फिर आगे चलूं, और जो मैं ब्रशेस डाउनलोड किए वो भी दिखाता हूँ आपको। फाइल चले न्यू कर लेते हैं, एक नई स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये आपका व्हाइट बोर्ड आ गया जो कि कैनवस है। ब्रश जब भी आपने इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स, एक चीज का एहतियात करनी, इसको हमेशा न्यू लेयर पे बनाया करो, क्यों कि जब नहीं चाहिए, अच्छी चीज नहीं बनी, निकाल दो उसको, कम से कम ग्राउंड लूज तो नहीं करनी ना आपने। यहां से आपने न्यू लेयर क्लिक कर दो, नई लेयर बन गई, वो देखो ऊपर, हाँ बिल्कुल, कि अभी तक जो मैंने एक्शन किया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है उनका कि ये जो एक्शन किया है क्या इसको कंबाइन कर सकते हैं एज ए सिंगल लेयर, आप मर्ज कर दो लेयर्स को, लेकिन मर्ज करते से पहले एक चीज का ख्याल रखना, बाद में ये अंडू नहीं होंगी। अगर आपको कहा जाए इसमें से हॉर्स को साइज बड़ा छोटा कर दो, टेक्स्ट को चेंज कर दो, मून को खत्म कर दो, ये नहीं होगा, तब नहीं होगा अगर आपने इन सब लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दिया। अब कितनी लेयर रह गई, खत्म, सब मर्ज हो गई। अगर मैं आपको कहूं इस हॉर्स को जरा दाएं बाएं कर दो, भगाओ जरा आगे, या साइज छोटा कर दो, मुश्किल करना, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे लेकिन वैसे मुश्किल नजर आ रहा है। हॉर्स शो जो लिखा हुआ है इसका फॉन्ट चेंज कर दो, मुश्किल, मून को गायब कर दो, मुश्किल, कर तो दूंगा कुछ ना कुछ, लेकिन लेयर अगर बनी होती मैं उस पार्ट को इजिली जो करना चाहूं कर सकता था। इसलिए लेयर तब तक नहीं खत्म करनी जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि यार मैंने अब इसको चेंज कभी जिंदगी भर करना ही नहीं है, तो लेयर को काइंडली मर्ज ना कीजिएगा, मर्ज तब करना है जब वो रेलेवेंट हो उसका कोई एक्शन, तो वरना नहीं। मिसाल के तौर पे मून मैंने व्हाइट वाला बनाया था, मून मैंने रेड वाला बनाया था, दो अलग अलग लेयर पे बनाता, और मैं चाहता हूँ यार बड़ा जबरदस्त बन गया, इनको मर्ज कर दो, इन दो को मर्ज कर देते, अब इसमें हॉर्स को भी मर्ज कर दिया, हॉर्स शो को भी मर्ज कर दिया, हाफ मून को भी मर्ज कर दिया, अब अगर आपको कुछ काम करना हो इस लेयर के ऊपर,
अच्छा एक तो इसकी मैं बैकग्राउंड जरा चेंज कर दूं आपको, बिल्कुल ही मैं उसको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे कैनवस को, इसको जरा चेंज कर लेते हैं। ये तो शुक्र है मैंने इसका कैनवस को जो बैकग्राउंड है इसको नहीं मर्ज किया, वरना मैं ये भी नहीं कर पाता जो मैं करने लगा हूं, मुश्किल हो जाती ना मेरे लिए। अब ये देखो व्हाइट कर दूं क्या, व्हाइट से तो कोई नजर ही नहीं आएगा क्योंकि तो व्हाइट हॉर्स है, व्हाइट मून है, तो इसको थोड़ा सा कलर हम देख लेते हैं क्या करना चाह रहे हैं। या इसको एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं जनाब फिल कर देते हैं, कोई अच्छा सा पैटर्न डाल देते हैं जो पैटर्न का जिक्र हुआ था। लेयर को पहले क्लिक किया, पैटर्न यहां से आप जो भी लाइट कलर का कोई पैटर्न अच्छा सा ये कर देते हैं। अच्छा क्या लग रहा है, उसने तो खाना खराब कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि हॉर्स इज वाइट एंड हॉर्स शो इज ऑल्सो लाइट कलर, तो अच्छा नहीं लग रहा ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको चेंज करना चाहूं भी हॉर्स शो को क्योंकि येलो कलर का टेक्स्ट है, ब्लैक करना चाहूं तो अब मैं नहीं कर पाऊंगा उसको, क्यों, उसकी लेयर ही मैंने मर्ज कर दी, क्या वो लेयर मेरे पास मौजूद है जो मैं काम करूंगा उस पर। इसलिए आपने स्टूडेंट्स जब कभी, अभी वो मिस ने मुझे कहा था कि कर दें, क्या हो सकती है, मैंने कहा कर देते हैं, लेकिन इससे मेरा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया कि मैं उसको इंडिविजुअली मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया जो मैं पहले कर रहा था बड़े आराम से। तो लेयर आपने कभी भी भूल के भी मर्ज तब तक ना करना जब तक कॉन्फिडेंट ना हो कि मैंने अब इसको चेंज वेंज नहीं करना, अभी मैं कर सकता हूँ, इस वक्त मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अंडू मेरे पास मौजूद है। लेकिन अगर इसको मैंने सेव करके बाहर निकल गया, अगले मिनट में दोबारा इन हुआ, इस फाइल को ओपन किया, मैं फिर भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अंडू का फीचर क्लोज हो जाती है जैसे सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। अंडू तब तक ही अवेलेबल है जब तक एप्लीकेशन ऑन है, अंडू तब तक अवेलेबल है, जैसे मैंने इसको क्लोज किया फाइल को अंडू खत्म। अभी मैं कर सकता हूं कंट्रोल जेड, क्या आपकी वो सारी ऑप्शंस वापस आ गई, लेयर्स विद जो था एक्शन, अभी मैं कर सकता हूं। अगर आप मुझे अब कहोगे मैं कोई मसला नहीं इंडिविजुअल लेयर के ऊपर मैं वर्क कर सकता हूं, तो ये फायदा है लेयर्स में काम करने का, यही फायदा है फोटोशॉप का। अगर लेयर ना होती तो मैं इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर मुझे वर्क करना हो तो ठीक ठाक मुसीबत पड़ जाती, अगर लेयर की फैसिलिटी ना होती। मुझे इसमें से कोई चीज अगर नहीं चाहिए, वक्ती तौर पर भी ऑफ कर सकता हूं, मुस्तकिल भी ऑफ कर सकता हूं। आई यहां से, अच्छा अब मैं इसके अंदर जो हॉर्स था ये वाला, ये हॉर्स है, अच्छा इसका बेहतर है नाम रख दिया करो लेयर्स का, वरना मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें से हॉर्स कौन सी लेयर है। ये है हॉर्स की लेयर, इसका नाम रख दो डबल क्लिक करके, हॉर्स लेयर मुनासिब, वरना तो आप खपते ही रहोगे। नेम इसलिए देते हैं ताकि आप पता हो किस एलिमेंट को हम एड्रेस करना चाह रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये हॉर्स लेयर मैंने कर दिया, ये जिससे हाफ मून मैंने कर दिया, ये मून रख दिया मैंने नाम, तो लेयर्स के नाम इसलिए रखते हैं जरूरी हो जाते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप इस हॉर्स टेक्स्ट को जो कि ये है, मुझे पता है ये हॉर्स टेक्स्ट है ठीक है, इसको क्लिक करके इसको अगर मैं मूव करूंगा और बिहाइंड हॉर्स लेके आऊंगा, अच्छा ये देखो अब हॉर्स जो है वो आपका टेक्स्ट के पीछे है, वजह क्या है, ऑर्डर में ऊपर है, लेयर उसके ऊपर है, तो ये भी एक फायदा है किसका, लेयर्स का, कि आप इनको स्टैकिंग ऑर्डर अपनी मर्जी से रीअरेंज किया जा सकता है। अब हॉर्स शो का टेक्स्ट ये पड़ा हुआ है और हॉर्स लेयर ये पड़ी हुई है, इस वजह से वो आपका हॉर्स ऊपर प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। अगर आप करना चाहो जस्ट यू हैव टू मूव दिस लेयर अबव, इतनी सी बात है। अगर ये लेयर्स होती हो हैं तो फायदा ही है ना, अगर लेयर गवा बैठोगे तो फिर इस तरह के कोई काम करने लिए आपको मुसीबत पड़ जाएगी, ठीक है, ये काम कर सकते हो आप, समझ में बात को। तो इस तरह आपने इन लेयर्स को अंडरस्टैंड कर लिया। अब जो एक चीज जो मैंने आपको और समझानी थी, क्या ये ब्रशेस जो हैं, अच्छा जहां तक मर्ज का ताल्लुक है दोबारा से सुन लीजिएगा, आपने जितनी लेयर्स को सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको आप चाह रहे हॉर्स और हॉर्स शो को मर्ज कर दिया जाए, ये ऐसे सिंगल लेयर, क्योंकि जो मैंने करना था इसके साथ कर दिया,
इसको मैं चाह रहा हूँ चलो मर्ज कर दो दोनों को, हॉर्स लेयर एंड हॉर्स शो का टेक्स्ट दोनों सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, और फिर शॉर्टकट किया कंट्रोल ई, कंट्रोल ई मर्ज लेयर। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं याद होती तो आपने एक काम करना है, लेयर्स में जाना है, बिल्कुल नीचे आ जाना है, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है मर्ज लेयर, कंट्रोल ई क्लिक कर दो, क्या वो दोनों लेयर्स एक बन गई, इकट्ठे हो गए ना ये दोनों, दो लेयर से एक बना दिए। अब आपको डिफिकल्टी होगी कि अगर आपने हॉर्स इमेज में साइज वाइज करना है, मूव करना है, नहीं कर सकते, दोनों इकट्ठे होंगे, हॉर्स का साइज थोड़ा छोटा करना है, हॉर्स का कलर मैंने चेंज करना है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा इंडिविजुअली, क्यों, वो अब इकट्ठे होंगे जो भी होंगे, अगर मैं साइज भी करता हूं मिसाल के तौर पर कंट्रोल टी से, तो ये हैंडल दोनों के लिए एक्टिवेट हुआ है, और अगर मैं इसको रोटेट करता हूं या इसको साइज करता हूं, ये दोनों इकट्ठे होंगे क्योंकि अब ये दोनों एक ही लेयर के हिस्से हैं। अगर ये अलग अलग होते मैं हॉर्स को अलग मैनेज कर लेता, हॉर्स शो को टेक्स्ट को अलग से मैनेज कर लेता, अब मैं नहीं कर पा रहा, मसला है ना। तो बेहतर है जब कभी आपने मर्ज करना है तो सोच समझ के करना है कि फ्यूचर में इसका फर्दर कोई एडिटिंग नहीं करनी, अगर एडिटिंग करनी है तो फिर इसको मर्ज नहीं करना, ठीक है, ये एहतियात। अच्छा, जहां तक ब्रशेस का ताल्लुक है, आप कस्टम शेप्स का तो बता दिया, आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ला के पूरा एनवायरनमेंट अपना बना सकते हो, इकोसिस्टम ऑफ जंगल, इकोसिस्टम ऑफ सिटी, अगर आपने छोटा सा ऐसा एनवायरनमेंट बना के दिखाना हो, किसी को भेजना हो, कोई बैनर बनाना हो, कार्टूनिक काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ कार्टूनिक आपने इमेजेस के साथ एक डिजाइन बनाना हो, आप बना सकते हो। तो ये आपने अटेम्प्ट कीजिएगा अपने अपने लेवल पे, जो जो बनाना चाहो, इकोसिस्टम ऑफ एनीथिंग तो आप उसको बना के, जंगल का एक बना लेना, कोई घर का अगर आपने बनाना है वो बना लेना, एनवायरमेंट सराउंडिंग का आपने बनाना है वो बना लेना, ग्राउंड सेट कर लेना और उसका स्काई सेट कर लेना, स्काई के ऊपर बर्ड्स को लगा देना, स्काई के ऊपर मून को लगा देना, स्काई के ऊपर स्टार्स को लगा देना, ग्राउंड के ऊपर ग्रास को लगा देना, और ग्रास भी इसमें, अच्छा ब्रशेज में ग्रास भी है, अगर आप कहूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि ग्राउंड के ऊपर मैंने ऐसे ऐसे ग्रास लगानी है अपने एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस करवानी है, आप ग्रास ब्रशेज के भी, आप ब्रशेज आपके ग्रास के भी अवेलेबल हैं, ब्रशेज एनिमल्स के भी अवेलेबल हैं, ब्रशेज आपको हर तरह का अवेलेबल है, सर्च करो, डाउनलोड करो और शुरू हो जाओ काम शुरू आपका, आपको कोई खुद से मेहनत करने की जरूरत ही कोई नहीं। अगर मैं आपको कहूँ इसमें ब्रशेज आपने अप्लाई करने हैं ग्रास का, ग्राउंड के ऊपर, इधर ग्राउंड के ऊपर आपने ऐसे ऐसे ग्रास का ब्रश लगाना है, मिल जाएगा आपको, कैसे, ब्रश में जाओ, ब्रश में जाके इस लिस्ट में जाओ। अच्छा, मजे की बात बताऊं, जब आप ब्रश टूल को क्लिक किया होता है, आप इसका एक पैनल ऑन कर लिया करो, ब्रश सेटिंग्स का, जैसे ये पैनल्स है ना, कलर स्वाचेस ग्रेडियंट, एक पैनल है बड़ा इसी साथ कनेक्टेड, पैनल का नाम है, ये ऑन कर लिया करो, ये भी आपको हेल्प करेगा, सेटिंग्स इकट्ठा, ये दोनों इकट्ठे आएंगे, ये देखो ये ब्रश सेटिंग्स है और ये ब्रश की टाइप्स हैं, ये वही टाइप्स हैं जो थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था, उधर ऊपर यहां पे भी आ गई, ये वही हैं जो इधर से देख रहे हो, ये नेम्स दिख रहे हैं ना, ये वाले यही नाम आपको इधर भी दिख रहे हैं, अंडर विच टैब नेम इज ब्रशेस, और अगर इसको डॉक करना है डॉक कर दो, ये सेंटर में आ गया, ये देखो ये एक्सपैंड हो गया, ये कोलैप्स हो गया, एक्सपैंड हो गया, ये कोलैप्स हो गया। अगर आप ब्रशेस को अप्लाई करना चाह रहे हो, ब्रश पे क्लिक करो। अच्छा, ये बड़ी मजे की प्रॉपर्टीज है, ये वाले ये बड़ी मजे की प्रॉपर्टीज है सेटिंग्स में। अभी मैं ब्रशेस पे रहता हूं, ब्रशेस में अभी मैंने कौन से ब्रशेस डाउनलोड किए थे, एनिमल्स के, क्लाउड्स के, चले दोनों को ओपन कर लेते हैं, डाउनलोड जाते हैं और डाउनलोड में जाके ये क्लाउड के ब्रशेस को भी हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, और ये कौन से हैं, प्लांट्स के, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इसको भी ऑन कर देते हैं। ये शेप्स के ब्रशेस हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब आ जाओ जरा इन पे। अच्छा, जो ब्रशेस होते हैं इसकी एक्सटेंशन होती है एबीआर, एडोबी ब्रशेस, एबीआर एडोबी ब्रशेस, क्लाउड के इसमें पड़े हुए हैं, और इसके अगर पीछे जाओ थोड़ा सा तो दूसरे ब्रशेस कौन से मैंने डाउनलोड किए हैं, ये एनिमल वाले, ये अच्छा ये शेप्स हैं एनिमल पीछे,
ये वाले, ये क्लाउड के हैं और ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के हैं, और इसकी भी एक्सटेंशन आपको क्या नजर आ रही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की .abr, ए एडोबी, बी आर ब्रशेस, ये फाइल्स हैं, इनको कनेक्ट कर लो। कनेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ जाओ और यहाँ पे आपको इन ब्रशेस को लोड करना है। अब आपको ये ब्रशेस यहाँ पे अभी तक अवेलेबल नहीं हुए, लोड करने का तरीका ये होता है कि आप इस आइकन पे क्लिक करो, ये छोटा सा 3 lines आइकन नजर आ रहा है, ये कब नजर आएगा, जब ब्रशेस का पैनल आपके पास होगा, वरना नहीं हो नजर आएगा। ठीक है, ब्रशेस के पैनल में चले जाओ, जहाँ पे ऑलरेडी ये 4 आपके वही ऑप्शन हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आपको उधर पे देख रहे थे ऊपर, आप यहाँ से एक्टिवेट करो, इम्पोर्ट करो। पहले क्या इम्पोर्ट किया था आपने, शेप्स को, अब क्या इम्पोर्ट कर रहे हैं, ब्रशेस को। ब्रशेस को इम्पोर्ट करो और जहाँ पे आपने सेव किए वो है डाउनलोड का फोल्डर, और डाउनलोड के फोल्डर में जाके प्लांट्स एंड एनिमल्स को लेके आते हैं। ये आ गया बिल्कुल बॉटम पे, जरा एक्सपैंड करो इसको। अच्छा, ये देखिएगा, इसमें कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं। अब आपको समझ नहीं आ रही, ऐसे लग रहा है जैसे एक लाइन ऐसे से लगी हुई ज़िगज़ैग सी, हालांकि इसके अंदर एनिमल है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, उसका एक तरीका है। तरीका ये है कि आपने जिसको इसमें से सिलेक्ट करना है कर लो ऐसे, ये एनिमल ही है, मुझे नजर आ रहा है एनिमल है, अभी आपको दिखाता भी हूं। इधर क्लिक करके आपने जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाके ये बॉटम पे देखो, ये डियर है, हिरन, ये क्या है, लेकिन ये आपस में इसकी स्पेसिंग इतनी क्लोज है कि सिंगल ऑब्जेक्ट आपको विजिबल नहीं हो रहा। स्पेसिंग कैसे सेट करते हैं, ये बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है स्पेसिंग, आगे दूर भी कर सकते हो, ये अगर आपको मल्टीपल ऐसे डियर्स पूरे के पूरे स्प्रेड करने हो कैनवस के ऊपर आराम से, जिस तरह एक ब्रश लगता है ना, राउंड वाला लग रहा था मून के लिए, अब क्या होगा, डियर प्रोड्यूस होने जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। कितने मजे की चीज है, डियर प्रोड्यूस हो जाएंगे ब्रश की फॉर्म में, और ये डियर ही नहीं है, ये देखो पता नहीं क्या क्या है, ये थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ाओ, देख रहे हो, जिस पे भी क्लिक करोगे वो आपकी स्पेस थोड़ी सी बढ़ाओगे तो उसके बर्ड्स का भी, ये बर्ड्स कर दूं क्या इधर प्रोड्यूस, या आपने जस्ट इसको क्लिक किया और स्पेसिंग इधर से बढ़ा दी, और बढ़ाने के बाद अगर आप सिंगल क्लिक करते हो जस्ट बर्ड आएगा एक, किस कलर का, जो फोरग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड इत्तफाक से इस वक्त क्या है, ब्लैक, ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो दिखना नहीं था, तो इसका मतलब ब्रश जब भी यूज करते हैं सबसे पहले आप उसके कलर को सिलेक्ट करते हैं, यहां लगाना है तो इसको इंटरचेंज कर लो ऐसे, ये देखो, ये देखो, जितने मर्जी साइज छोटा करूं, ओपन ब्रैकेट से छोटा, बड़ा करूं, क्लोज ब्रैकेट से बड़ा, अंडू कर दो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। और एक चीज का ख्याल रखना कि अगर आपने कंजेक्टिव ब्रश को सरफेस के ऊपर इंस्टॉल किया ऐसे, तो ये ब्रशेज कि आपको प्रोड्यूस करेंगे नंबर ऑफ बर्ड्स, और डिस्टेंस कितना, जितना यहां दिया है डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दो अगर आप स्प्रेड करना चाह रहे हो। वैसे तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहाँ पे आप इसको बड़े अच्छे तरीके से डायनामिक ब्रशेज ऑन करके इनकी प्रॉपर्टीज को आप बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए स्प्रेड भी कर सकते हो, साइज भी कर सकते हो, ये देख रहे हो, अब आपके बर्ड डिफरेंट साइजेस में आ रहे हैं, डायनामिक साइज, छोटा बड़ा, छोटे बड़े, स्कैटर भी कर सकते हो, फैला सकते हो, ये बड़ी मजे की प्रॉपर्टीज हैं, उल्टा सकते हो ऊपर नीचे, ये जो इधर करोगे वो उधर देखो, और ये चीज आपकी प्रोड्यूस होगी जब आप ब्रश लगाओगे अपने कैनवस के ऊपर। पहले तसल्ली कर लो कि होना क्या है, होना क्या है वो आपको यहां पर पिक्चर नजर आ जाएगी, इस प्रॉपर्टी से ये होगा, इस प्रॉपर्टी से ये होगा, इसको अच्छे रहेंगे, इसको आगे पीछे करेंगे तो ये होगा, इसको जरा अच्छे तरीके से, आपने टाइम आपके पास काफी है वीकेंड के ऊपर, आपने इसकी प्रॉपर्टीज को भी जाके देखना है। स्पेसिंग तो मैंने बता दी, आसान सी ऑप्शन है, लेकिन स्पेसिंग ही अकेली नहीं है, याद रखना जो आपने टिक ऑन किया, जब आपने टिक ऑन किया इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी क्लिक करने पे, अगर आपने इसको ऑफ किया ये नॉर्मल बिहेवियर है, अगर आपने इसको स्कैटरिंग वाली ऑप्शन ऑन कर दी
और इसकी वैल्यूज कुछ आपने गड़बड़ करना है, आगे पीछे करना है, अपनी नीड के मुताबिक स्कैटरिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। जब तक क्लिक नहीं करोगे इसकी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज आर्ट वाले पैनल में नहीं आएंगी। ये देखो अब आई है, ये प्रॉपर्टीज किसकी है? स्कैटरिंग से रेलेवेंट है। स्कैटर करना चाह रहे हो क्या? आपने पूरे स्काई के ऊपर बर्ड्स लगाने हैं, ऐसे 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 स्कैटर कर दो। ये देख रहे हो क्या, एक ही सीध में लगाना है या स्कैटर करना है? क्या साइज भी छोटा बड़ा कर दो? ये लो ये चेक करो, जब ये हो जाए स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करके देखो। इस पे कर दें, आपकी मर्जी है, इस पे कर लेते हैं, चेक कीजिएगा। स्कैटर, रोटेटर, साइज, प्रॉपर्टीज एक्टिवेट कर दी मैंने, बड़ी मजे की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। एक एक प्रॉपर्टी को चेक ऑन करो, उसकी वैल्यूज को सेट करो, करने के बाद देखो क्या करता है काम आपके लिए, आपके लिए आसानी कर रहा है। ये बर्ड्स का स्ट्रोक, एनिमल्स का स्ट्रोक, यहां तक के क्लाउड का स्ट्रोक, क्लाउड का स्ट्रोक डाउनलोड किया था हमने, वो भी देख लो, फिर बंद करते हैं इसको। नहीं जी, ये आपके पास जब कभी आप इस तरह की सिचुएशन में हो और आपको समझ नहीं आ रही है क्या, तो इसकी सेटिंग में चले जाओ, जो बराबर वाला बटन है। अब ये देखो, ये बर्ड्स हैं, ये एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे क्लियर इसका व्यू नहीं आ रहा, जब तक आप इसकी स्पेसिंग को सेट नहीं करोगे यहां से। और ये याद रखना, ये स्पेसिंग जो होती है सबसे ऊपर वाली ऑप्शन टिप शेप को एक्टिवेट करना पड़ता है। बाद स्टूडेंट परेशान हो गए थे, सर वो सेटिंग में भी वो स्पेसिंग तो ऑन ही नहीं हो रहा था, वो ये किया हुआ था मैंने, ठीक है। अब आपका ये कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, आपने इसको इनमें से किसी ऑप्शन को भी मैंने नहीं सिखाया, मैंने दो तीन ऑप्शन आपसे टच किए, आपको मैं ये कहूंगा ब्रश टिप शेप ये ऊपर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, फिर ये आप स्पेसिंग यहां से दे सकते हो, ये स्पेसिंग है, ये साइज है, छोटा बड़ा साइज अगर आप करना चाहो, इसको रोटेट करना चाहो, ये देख रहे हो रोटेट, इसको साइज करना चाहो, ये है चिपक गया, ये फुल वर्जन राउंड शेप, ये हैंडल नजर आ रहा है छोटा सा, ये लो, बाद में ब्रश को आपको करना पड़ता है, इसको स्ट्रेट करना है, ये लो, इसको पढ़ना उल्टाना है, ये लो, छोटी छोटी चीजें हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा जब आप, और ये आपने सारी ऑप्शन सिर्फ मैंने आपको अभी जो बताई हैं, मैंने आपको कहा कोई ना इस्तेमाल करो, सिर्फ ब्रश टिप शेप को देखो। अब ब्रश टिप शेप में इसको अगर आपने फ्लिप करना है, फ्लिप भी कर सकते, ये देखो ये फ्लिप है, वर्टिकल ऐसे ऐसे, हॉरिजॉन्टल करना है ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल, पलटना है उसका फेस, इधर करना है या इधर करना है आपकी मर्जी है। अब जब स्ट्रोक लगाओगे फेस की पलटी, और ये एंगल की मूवमेंट, ये देखो रोटेट कर रहे हैं, ये एंगल है और ये राउंडनेस है, जो कि आप इधर से बड़ा अच्छे तरीके से कर रहे थे, यहां से भी कर सकते हो, राउंडनेस को कम करना है, पिचक जाएगा इमेज, और ये इधर से आराम से कर लेते हो, उधर जाने की जरूरत ही कोई नहीं, ये लो ये राउंडनेस है और ये रोटेशन है। आपको मैंने आज क्या सिखाया? आपको ब्रश लगाने सिखाए, आपको शेप्स लगानी सिखाई, डाउनलोड करना सिखाया, फिर मैंने ब्रश की सेटिंग बताई, और सिर्फ एक सेटिंग को आपको मैं कहूंगा करो, वो कौन सी? जब आप यहां से ब्रश को लोड कर लेते हो तो आपने सेटिंग में जाकर सिर्फ आपने ब्रश टिप शेप के ऊपर काम करना है, ये मैंने सारा कुछ बता दिया इधर वाला, बाकी अगर करना है सॉबिस मिला देखो, डायनामिक साइजेस देखो, कलर्स देखो अगर आप करना चाहो, वरना अभी सिर्फ इसके साथ रहो, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यहां से इसकी स्पेसिंग आप काम ज्यादा करके एक्चुअली बर्ड क्या है, कौन सा है एनिमल, पता लग जाएगा आपको, वरना वो आप ब्रश के स्ट्रोक लगाओगे आपको समझ नहीं आएगी कि वो क्या रहा है। अगर ये इतने करीब आप क्लोज करोगे ना, अब मैं स्ट्रोक लगाता हूं, ये देखो क्या होता है, कलर ब्लैक कर देते हैं, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि स्पेस कम है,
स्पेस बढ़ाओ, पूरी स्क्रीन के ऊपर ब्रशेस अंडू कर देता हूं। और मजे की बात सुनो, अगर आप नॉर्मल ब्रश भी लेते हो ना, राउंड वाला, ये वाला, ये राउंड वाला राउंड ब्रश, अब अगर आप इसको थ्रू स्ट्रोक लगाते हो, ये देखो क्या होने लगा, ये देखो मैं स्ट्रोक लगाता हूं, क्लिक एंड क्लिक हेयर, एक कंटिन्यूस लाइन की नजर आ रही है, कंटिन्यूटी। लेकिन अगर आप स्पेसिंग बढ़ा दोगे, आप देखो, और अगर स्पेसिंग थोड़ी कम कर दोगे, डिफरेंट वेरिएशन आ रही है कि नहीं आ रही, स्पेसिंग से सब कुछ मैनेज हो रहा है। कलर आपने बताना है, साइज एंड ब्रश की टिप आपने यहां से सिलेक्ट कर लेनी है, एनिमल का लेना है, क्लाउड का लेना है, राउंड शेप भी लेना है, हार्डनेस लो रखनी है, हार्डनेस हाई रखनी है, कलर बता दो और ड्रॉ कर दो, कलर यहां से बता दो और ड्रॉ कर दो इनसाइड दिस वन, साइज छोटा करना है छोटा कर लो, और अगर आप वैसे कंटिन्यूटी चाह रहे हो यहां से यहां तक, तो आखिर में जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। ये क्यों गैप, गैप आपने दिया है जितना दिया है, अगर आप स्मूथ करना चाह रहे हो स्पेसिंग खत्म कर दो, और गैप आएगा तो क्योंकि गैप के साथ प्रोड्यूस होंगे उसके स्ट्रोक्स ब्रशेस के, ठीक है ना। ये आपने यहां से, और इसकी अगर आप हार्डनेस को कंट्रोल वहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, ये देख रहे हो ब्रश की वैल्यू हार्डनेस उसकी कम कर दी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोगों ने यहां से हार्डनेस, और प्लस अगर आप इसकी राउंडनेस को कंट्रोल करना चाहो यहां से कर लो। अब ये भी ब्रश ही है, ये लो वो देखो चपटा सा ब्रश आ गया शिफ्ट के साथ, स्पेसिंग अगर ज्यादा दोगे तो, ये लो कितना वो तरीके से चल रहा है काम। और अगर आप कोई इमेज इंपोर्ट करके सिर्फ 5 मिनट दे दो, मैं आपको ना आखिर में एक काम जो आपको सिलेक्शन के हवाले से बताया था, मैं चाह रहा था इनको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं, आप इसकी प्रैक्टिस करके आना। एक्सप्लेनेशन ये है कि आपने जब कोई इमेज जिसके ऊपर अगर आप चाहो फोटोशॉप के साथ वर्क करना चाहो, आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर सिर्फ 5 मिनट, ये देखो कोई इमेज ले लेते हैं, चले कोई सा ले लेते हैं, चल ये विंडो 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 ही पिक कर लेते हैं, ये आपकी तरह ना ये भी बाजार बैठा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इमेज की कलेक्शन हो और आप उसके ऊपर अगर ब्रश के स्ट्रोक के साथ कोई स्टाइल देना चाहो तो आप दे सकते हो, उसकी आपने सराउंडिंग का बॉर्डर लगाना हो, ठीक है, उसके बॉटम के ऊपर कोई आपने ब्रश के साथ स्ट्रोक लगाना हो,
और आप अपने उस फोटो का हिस्सा बनाना चाह रहे हो उस ब्रश को, वो बना सकते हो। जरूरी नहीं कि प्लेन सरफेस के ऊपर काम होता है, आप अगर चाहो इसको डिफरेंट इमेजेस के ऊपर भी इसको परफॉर्म करके देख सकते हो। तो ये आपके पास जैसे एक इमेज है, इसको अगर आप ओपन कर लेते हो और इस ओपन इमेज के ऊपर अगर आप वर्क करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। बात उस चीज़ें बंद कर देते हैं। बाद का तो सिस्टम ज़्यादा ही रिसोर्सेज को खा रहा है। ले जनाब, जैसे छुट्टी होती ना स्कूल में, फटाफट बैग पर्स जूते हैं भागना है, बस घंटी बजने वाली है। उसका अपना ही मज़ा होता है स्कूल की छुट्टी का, हैं लेकिन वो अब उस मोड से हम निकलते नहीं सारी उम्र। हाँ ठीक है, बिजी लोग हो आपको, लेकिन बता यार। अच्छा इमेज, तो अगर आप इसकी बाउंड्री लगाना चाहो, अगर आप इसकी बाउंड्री लगाना चाहो स्टूडेंट्स, कैसे लगेगी बाउंड्री? आप प्रेसिस को अप्लाई करना चाह रहे हो इसके ऊपर, आप जिस जगह पे करना चाह रहे हो उस एरिया को सिलेक्ट कर लो। मजे की बात सुनो, मैं इसके राउंड फ्रेम लगाना चाह रहा हूँ, ब्रश लगाना चाह रहा हूँ, ये देखना मैं क्या करने लगा। आपने ये एरिया सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट करने के बाद एक मैं बड़ा मजे का काम करना चाह रहा हूँ। एक्टिव एरिया कौन सा है स्टूडेंट्स? एक्टिव एरिया कौन सा है? बाउंड्री को छोड़ के एक्टिव एरिया मैंने बाकी किया हुआ है, ऐसे ही है। न्यू ले लेता हूँ मैं, इस लेयर को छेड़ता ही नहीं। मैं कहता हूँ यार कल को अगर अच्छा नहीं लगा मैं खत्म कर दूंगा, इसलिए जब भी ब्रश लगाओ न्यू लेयर पे लगाओ, सिलेक्शन कर लेते हैं। और मैं ब्रश को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ आउटसाइड दैट बाउंड्री, इनसाइड नहीं बल्कि आउटसाइड। इसका तरीका क्या है? इसके अंदर राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स कर दो। अब सिलेक्शन क्या है? इनसाइड है, नो, आउटसाइड वाला एरिया आपका एक्टिव हो गया। अब हो गया तो ब्रश ले लो, आप ब्रश का जो भी कलर डिसाइड किया है वो कर लो। कोई एनिमल की प्लेसमेंट करनी है वो भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने ब्रश का एक सिंपल सा एक फ्लैट और सॉलिड कलर ही आपने इसके अंदर फिल करना है। हो सकता है आपको यहाँ पे एनिमल की शेप चाहिए, आप ब्रश में उसको ऑन कर दो। ये देखो साइज बड़ा करना ब्रश का, ये देखो चेक कीजिएगा। अगर मैं साइज बड़ा भी कर लूँ, ब्रश ने सिर्फ उसी एरिया में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है जो आपने एक्टिव किया हुआ है। अब इसमें आप चाहे एनिमल ब्रश लगा लो, चाहे आप सॉलिड कलर ब्रश लगा लो। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप इसको सर्कुलर फॉर्म में सिलेक्ट करते हो, जैसे मैं करता हूँ कंट्रोल डी करके, डी सिलेक्ट एवरीथिंग, ये देखना जरा, ये शिफ्ट के साथ एक सर्कल बनाया, ठीक है, और फर्दर मैंने शिफ्ट के साथ दूसरा सर्कल बनाया, फिर फर्दर मैंने शिफ्ट के साथ तीसरा सर्कल बनाया, फिर शिफ्ट के साथ चौथा सर्कल बनाया, शिफ्ट के साथ पांचवा सर्कल बनाया। ये जो मैंने सर्कल्स लगाए हैं, अगर मैं इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहूँ, पेंट करना चाहूँ, कर सकता हूँ। ब्लू ही कर दें, ब्लू ही कर देते हैं। लो जी ब्रश को लो और इसके ऊपर पेंट कर दो। क्या वो उसी एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है? ये है जी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, एक्टिव करके एरिया को। और आपको कोई इस तरह का डिज़ाइन भी बनाना हो अब बना सकते हो। मिसाल के तौर पे जल्दी से एक आखिरी काम फिर ऑफ कर रहे हैं, ये जी एक मैंने शेप बनाई ऐसे, इसके अंदर ऐड की शिफ्ट के साथ ऐसे, इसके अंदर ऐड की शिफ्ट के साथ ऐसे, ठीक है, इसके अंदर ऐड की शिफ्ट के साथ ऐसे, ये मेरी शेप्स बन गई, ये देखो, ठीक है। इसमें से आप समझ तो यार ये बैलेंस नहीं है, माइनस कर दो, कैसे? ऑल्ट के साथ, और इसके अंदर आपने कोई करंट शेप के अंदर आपने कोई ब्रश का स्ट्रोक लगाना है, और जरूरी नहीं कि आपने कोई फ्लैट कलर ही लगाना है। आपका हो सकता है इरादा है इसके अंदर क्या करने का, एनिमल का ब्रश, ठीक है, आप लगा लो, ब्रशेस को ऑन कर लो। ब्रशेस हमारे अगर नहीं है तो विंडो में जाके ब्रशेस को ऑन कर लो, और यहां से आप ब्रशेस की उस कैटेगरी में चले जाओ जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ये स्मोके ब्रशेस भी हैं, ये देखो ये स्मोके ब्रशेस हैं, ये स्मोकी ब्रशेस हैं,
ये आप लगा सकते हो, और ये सिर्फ इस पे नहीं लगा सकते, जहां पे आप चाहो इसको प्ले कर सकते हो। ये स्मोक के ब्रशेज हैं, देखो कितने खूबसूरत से। अगर आप इसको स्मोक के ब्रशेज के यहाँ पे स्ट्रोक लगाना है, अब लगा लो, ठीक है। इस एरिया में पहले तो ब्रश को ऑन करो, और यहाँ से आप ब्रश का वो स्ट्रोक जो आपको पसंद है इनमें से वो आप ले लो। डिस्टेंस को यहाँ से आप सेट कर लो, ये स्ट्रोक है, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं है, ब्रशेस में जाओ और अपनी पसंद का ब्रश इस लिस्ट में से क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद वापस से ब्रश सेटिंग में आ जाओ, ये देखो, और ये आपका एक्टिव है। ले जनाब, वो एनिमल के ब्रशेस हमने डाउनलोड किए थे, वो किधर गए? ले जनाब, इसका मतलब ये हुआ कि आप ब्रश को यूज़ करते हुए, साइज सेट करते हुए, यहाँ पे जो भी स्ट्रोक लगाना है आप यहाँ लगा सकते हो, जो भी आपने करंट सेलेक्ट किया, ये पेंट का देख रहे हो, ये ब्रश का स्ट्रोक लगा है जो आपने करंट उसके में सिलेक्शन में से उठाया है। ये एनिमल्स भी हो सकते थे जो आपको मैंने डाउनलोड करके दिखाए, ठीक है, तो शायद मैंने उसको रीसेट किया तो दोबारा उसको करना पड़ेगा। इस तरह आप अपनी सिलेक्शन जो एक्टिव की होगी उसके अंदर प्लस माइनस करने के बाद अब उसको आप अपने सरफेस के ऊपर उसके ब्रशेस के स्ट्रोक के साथ उसको आप प्रोमिनेंट कर सकते हो, ठीक है। ये थी आज का आपका लेसन, जिसमें मैंने आपको काइंड ऑफ दो सिलेक्शन दिखाई, एक एलिप्टिकल रोटेट और दूसरी रेक्टेंगुलर। ये आप सिलेक्शन आप यहाँ से इसको जब ऑन करते हो तो बाकी में छोटी सी फीचर्स हैं फैदर की और इसके साइजेस की, वो इंशाल्लाह मैं आपको मंडे को करवाऊंगा, ऑलमोस्ट टाइम हो गया, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करूंगा। आप लोगों ने अब एक इकोसिस्टम अपना बनाने की कोशिश की, कुछ ना कुछ बना लिया, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, उसको एक्सपोर्ट करना सिखा दिया था मैंने JPG में, तो जो खुशी से दिखाना चाह रहे हैं अपने काम को वो मुझे सेंड कर सकते हैं, या कम अज़ कम अपने लिए जरूर कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है जी। अटेंडेंस का अब चूंकि आगे वीकेंड है, अब आपने ना शेप्स के ऊपर काम करो, ब्रशेस के ऊपर काम करो, और सिलेक्शन टूल्स से यूज़ करते हुए अपने एरिया को एक्टिवेट करो और उसके ऊपर वर्क करो।